एक समझौता आप करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते जब किए जाते हैं तो जिस तारीख को हस्ताक्षर होता है उससे कुछ समय तक आपको छूट मिलती है। इतने समय में आप तैयारी कर लें अपने देश में उसको लागू करने की। तो भारत सरकार ने 15 दिसंबर 1994 को इसको हस्ताक्षर किया। 10 साल के लिए हमें ग्रेस पीरियड मिला, छूट मिली। वो 10 साल अभी पूरा हो गया 15 दिसंबर 2004 को। 1 जनवरी 2005 से वो सब शर्तें लागू हो जाएंगी जो कुछ गेट करार में है, WTO में है, और उन शर्तों के आधार पर देश का शासन चलेगा, देश की सरकार चलेगी, देश की पूरी व्यवस्था चलेगी। आपके देश की संसद के कहे हुए पर अब इस देश की सरकार नहीं चलेगी। आपके देश की विधानसभाएं अगर कुछ तय करें उसके अनुसार अब सरकार काम नहीं करेगी। अब जो भी सरकारें भारत में आएंगी वो किसी भी राजकीय पक्ष की हो, एक पार्टी की हो, दो पार्टी की हो, तीन पार्टी की हो, या पार्टियों के समूहों की सरकारें हो, उनको वही करना पड़ेगा जो WTO में लिखा हुआ है, विश्व व्यापार संगठन की शर्तों में कहा गया है, या गेट करार की शर्तों में लिखा हुआ है। मैं आज आपसे इस विषय पर जब बात करने आया तो मेरे साथ गेट करार की कॉपी लेके आया। विश्व व्यापार संगठन का जो समझौता जिस पर भारत सरकार ने हस्ताक्षर किया है वो मैं मेरे साथ लाया हूँ। वो समझौते का जो ड्राफ्ट है वो मेरे हाथ में है। बस इतना ही मैंने किया है कि इस पे कवर चढ़ा दिया है, क्योंकि ये बार बार मुझे इस्तेमाल करना पड़ता है, तो इसके ऊपर कवर है, बाकी अंदर वो पूरा का पूरा ड्राफ्ट है। ये पूरा ड्राफ्ट लगभग 576 पेज का है, और इस 576 पेज के ड्राफ्ट में 2000 से ज्यादा शर्तें हैं। इन सभी शर्तों के अलग अलग अध्याय बने हुए हैं। जैसे इसमें कुल मिलाकर लगभग 28 अध्याय हैं। इस 576 पेज को 28 अध्याय में बांटा गया है, 28 चैप्टर्स हैं। अलग अलग अध्याय के अलग अलग नाम हैं। जैसे एक अध्याय है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, कृषि विषय का समझौता। एक अध्याय है एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स, TRIPS, ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, अर्थात पेटेंट, कॉपीराइट, और ये जो मार्क्स के जो समझौते होते हैं, हर एक कंपनी का अपना कोई विशेष तरह का चिन्ह होता है, तो वो कॉपीराइट, पेटेंट, उस तरह के समझौते ट्रिप्स में है। इसी तरह से इसमें एक अध्याय है एग्रीमेंट ऑन सर्विसेस, सेवा के व्यापार का समझौता। इसी तरह से इसमें एक अध्याय है एग्रीमेंट ऑन सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, ऐसे कर करके इसमें ऐसे ही एक अध्याय है एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल, ये जो कपड़े का व्यापार है उसका समझौता। तो कुल मिलाकर इसमें 28 अध्याय हैं। हर एक अध्याय अपने आप में एग्रीमेंट के जैसा है, हर एक अध्याय अपने आप में एक एग्रीमेंट के बराबर है, समझौते के बराबर है। कुल अध्याय 28 हैं। इन सबको मिलाकर इसको WTO एग्रीमेंट कहा जाता है, या गेट करार कहा जाता है। ये गेट करार जब हस्ताक्षर हुआ था 15 दिसंबर 1994 को, तो हमारे देश की सरकार, उन्होंने बार बार ये कहा था कि हम इसको हस्ताक्षर नहीं करेंगे। संसद के अंदर कहा था, संसद के बाहर कहा था। और जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता श्री रूपेश ने कहा, 14 दिसंबर 1994 तक हमारी सरकार कह रही थी कि हम WTO पर, गेट करार पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, लेकिन अचानक 15 दिसंबर 1994 को ये हस्ताक्षर कर दिए गए, और 16 दिसंबर को मेरे जैसे आदमी को, आपको, सभी को अखबारों के माध्यम से सूचना मिली, अखबारों के माध्यम से पता चला। संसद में भी माहिती नहीं आई थी उसके पहले। भारत की सरकार के जो प्रतिनिधि थे जिन्होंने ये हस्ताक्षर किया था, उन्होंने न्यूज़पेपर्स को बताया, रिपोर्टर्स को बुलाकर कहा कि हमने वो हस्ताक्षर किया। तो बहुत सारे पत्रकारों ने उनसे पूछा कि कल तक तो आप कह रहे थे कि हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे, अब एक ही दिन में आपने ये हस्ताक्षर करके मत परिवर्तन किया, मन बदल दिया, ऐसा कैसे हुआ? तब उन्होंने कहा था, वो बात मैं आपको कोट करना चाहता हूँ, अंग्रेजी में कही गई थी, बैगर्स हैव नो चॉइस, सरकार की ओर से कहा गया था, बैगर्स हैव नो चॉइस, माने जो भिखारी होते हैं उनका अपना कोई मंतव्य नहीं होता है, उनकी कोई अपनी चॉइस नहीं होती है, माने भिखारी तो वही करता है जो भीख देने वाला कराता है,
यानी आपको कोई भीख दे रहा है, आप भीख ले रहे हैं, तो भीख देने वाला जो आपसे कहेगा वही आपको करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है बैगर्स हैव नो चॉइस, ये सरकार की तरफ से कहा गया था। हमारे देश में ऐसी परिस्थिति क्यों बनी जब हमने ये गैट करार हस्ताक्षर किया, इस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन वो बात करने से पहले ये गैट करार शुरू कैसे हुआ इस पर बात करता हूं, ताकि आपको इसका इतिहास भी पता हो। गैट करार की शुरुआत हुई सन 1948 में। गैट एक शब्द है अंग्रेजी का, GATT, उसका पूरा अर्थ है जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ट्रेड का मतलब आप समझते हैं व्यापार, टैरिफ का मतलब होता है बाहर से आने वाली वस्तुओं पर लगाया गया टैक्स, उसको हम टैरिफ कहते हैं। तो व्यापार और बाहर से आने वाली वस्तुओं पर लगाए गए टैक्स का एक सामान्य समझौता, इसको गैट के नाम से जाना जाता है। 1948 में ये शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, दुनिया के 23 देशों ने मिलकर इसको शुरू किया था। वो 23 देशों में से भारत एक देश था। 1947 में भारत आजाद हुआ, आप जानते हैं 15 अगस्त को। 1948 में गैट शुरू हुआ, भारत शुरू से ही गैट में शामिल था, माने गैट को शुरू करवाने वाले देशों में भारत एक महत्वपूर्ण देश था। भारत के साथ और भी कई देश थे, एक देश था अमेरिका, दूसरा था ब्रिटेन, एक था फ्रांस, एक था जर्मनी, ऐसे दुनिया के 23 देशों ने मिलकर इसको शुरू किया था। इसकी शुरुआत के पहले की घटना एक बताऊं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ये क्यों शुरू किया था, जरूरत क्या थी इसकी। जरूरत ये थी कि 1945 में दूसरा विश्व युद्ध पूरा हुआ था, 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था। 1939 से 1945 के बीच में ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर चला, दूसरा विश्व युद्ध चला, इसमें दुनिया के अमीर देशों की सारी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई थी, खलास हो गई थी। अमीर देशों में आप गिनती करना चाहें तो ब्रिटेन उस समय काफी ऊपर था, ब्रिटेन के नजदीक में फ्रांस, फ्रांस के नजदीक में जर्मनी, जर्मनी के नजदीक में स्पेन, पुर्तगाल, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, और इनके साथ अमरीका, कनाडा, ये सब अमीर देशों की श्रेणी में आते हैं। दूसरे विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था अमीर देशों को, श्रीमंत देशों को, दुनिया के जितने ज्यादा श्रीमंत देशों को नुकसान हुआ, सबसे अधिक तो दूसरे विश्व युद्ध में हुआ था। नुकसान किस स्तर पे हुआ था, इनकी पूरी अर्थव्यवस्था खलास हो गई थी। जर्मनी और फ्रांस तो इस स्थिति में आ गए थे कि वहां के लोगों की भुखमरी की हालत हो गई थी, इंडस्ट्रीज सब चौपट हो गई, कंपनियां सब बंद हो गई, लाखों लोग युद्ध में मारे गए। दूसरे विश्व युद्ध पर जिन इतिहासकारों ने काम किया है उनका कहना है कि दूसरे विश्व युद्ध में यूरोप के कम से कम 1 करोड़ लोग मरे थे, कम से कम 1 करोड़ लोग मरे थे। दूसरे विश्व युद्ध में बहुत तबाही हुई थी और इस तबाही में पूरी अर्थव्यवस्था डूब गई थी। दूसरे विश्व युद्ध से अगर किसी को फायदा हुआ था तो वो एक ही देश था, उसका नाम था अमरीका। अमरीका को बहुत फायदा हुआ था, अमरीका का कोई नुकसान नहीं हुआ था। नुकसान नहीं हुआ उसका कारण क्या था, सबसे बड़ा कारण यह था कि दूसरा विश्व युद्ध अमरीका की जमीन पर नहीं लड़ा गया। दूसरे विश्व युद्ध में जो जमीन इस्तेमाल की गई, जो स्थान था युद्ध का, जो बैटल फील्ड था, जो वॉर फील्ड था, वो यूरोप था, और यूरोप में भी सेंट्रल यूरोप था, केंद्रीय यूरोप जिसको कहा जाता, वेस्टर्न यूरोप भी थोड़े आजकल कह सकते हैं। सबसे ज्यादा लाभ अमेरिका को दो कारण से हुआ, एक तो अमेरिका की जमीन पर युद्ध नहीं हुआ था, दूसरा अमेरिका को लाभ इस युद्ध में ये हुआ था कि अमेरिका की हथियार बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों को जबरदस्त ऑर्डर्स मिले थे दूसरे विश्व युद्ध में। जर्मनी ने जो हथियार इस्तेमाल किए फ्रांस के खिलाफ या ब्रिटेन के खिलाफ, वो सारे के सारे हथियार अमेरिका ने बेचे, और दूसरी तरफ जर्मनी के खिलाफ ब्रिटेन और फ्रांस ने जो हथियार इस्तेमाल किए वो भी अमेरिका ने बेचे। माने अमेरिका दोनों तरफ हथियार सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश था। अमेरिका की ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके नाम कभी कभी आप अखबारों में पढ़ते हैं, जैसे जनरल मोटर्स, GM, फोर्ड, IBM, रेक्सोन, रेथियोन, एक्सोन, ऐसी ऐसी ITT,
कॉपर कोनेकॉट ऐसी अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम अक्सर आप सुनते हैं, ये सब हथियार बनाने वाली बड़ी कंपनियां हैं। इन हथियार बनाने वाली कंपनियों को जबरदस्त मुनाफा हुआ था। इन्होंने जो मित्र देश थे, मित्र देश माने ब्रिटेन के साथ मिलकर जर्मनी के खिलाफ लड़ने वाले देशों को मित्र देश कहा जाता था, जर्मनी के साथ मिलकर लड़ने वाले देशों को शत्रु देश कहा जाता था। तो मित्र देशों को भी हथियार अमेरिका बेच रहा था, शत्रु देशों को भी हथियार अमेरिका बेच रहा था। अमेरिका की दसों उंगलियां घी में थी और दसों पैर की उंगलियां घी में थी, बीसों उंगलियां घी में थी, ऐसा कह सकते हैं। तो दूसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा लाभ किसी एक देश को हुआ तो अमेरिका को, और सबसे बड़ा नुकसान जिन देशों को हुआ, यूरोप के देशों को, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, ब्रिटेन आदि आदि देशों को। जिन देशों को नुकसान हुए उन देशों ने आपस में बैठकर कुछ समझौते किए। उनमें से एक समझौता ये था कि युद्ध अब समाप्त हुआ है, हमको आगे बढ़ना है तो एक दूसरे को सहयोग करना सीखना चाहिए। तो यूरोप के देशों ने आपस में मिलकर एक दूसरे को सहयोग करने के लिए एक समझौता किया जिसको नो वॉर पैक्ट कहा जाता है। वो समझौता यूरोप के देशों ने इस तरह से किया कि हम भविष्य में कभी भी एक दूसरे के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ेंगे, क्योंकि युद्ध के भयंकर दुष्परिणाम उन्होंने देखे थे। तो युद्ध नहीं लड़ेंगे, ऐसा समझौता उन्होंने कर लिया और वो समझौता आज तक कायम है। यूरोप के देशों ने 1945 के दूसरे विश्व युद्ध के बाद आपस में 2004 की तारीख में कोई युद्ध नहीं लड़ा है। 1945 से सन 2004 के बीच में यूरोप के देशों ने एक दूसरे के खिलाफ कोई युद्ध नहीं लड़ा है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 1945 से सन 2004 के बीच में दुनिया में 345 युद्ध हुए हैं। 345 युद्ध हो चुके हैं। लेटेस्ट युद्ध जो है वो इराक का है, इराक से पहले अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के पहले आप जानते हैं कुवैत का, कोरिया का, वियतनाम का, ऐसे चिली का, कोस्टारिका का, कोलंबिया का, भारत पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, ऐसे कुल मिलाकर अगर सूची बनाई जाए तो 1945 से लेकर सन 2004 के बीच में 345 युद्ध हो चुके हैं। आने वाले समय में और भी होने की तैयारी है। सीरिया में युद्ध हो सकता है, ईरान में हो सकता है, अमेरिका ने घोषित कर दिया है, कोरिया में भी होने की संभावना है। तो युद्ध तो लगातार हो रहे हैं। 1945 के बाद दुनिया में कोई शांति स्थापित नहीं हुई है, काफी युद्ध हो रहे हैं, लेकिन यूरोप की जमीन पर नहीं हो रहे हैं। ध्यान देने की बात यह है, क्यों? क्योंकि यूरोप के देशों ने आपस में समझौता किया हुआ है कि हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे नहीं। लेकिन ये जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से दुनिया में युद्ध हो रहे हैं, इन युद्धों में अभी फायदा किसको हो रहा है? अभी फायदा अमेरिका और यूरोप दोनों को बराबर बराबर हो रहा है। 1945 के दूसरे विश्व युद्ध में पूरा फायदा सिर्फ अमेरिका को हुआ। 1945 के बाद जो 345 युद्ध दुनिया में हुए हैं उसमें फायदा यूरोप को भी हो रहा है, अमेरिका को भी हो रहा है। कैसे हो रहा है? यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियां हथियार बना रही हैं और दुनिया के देशों को बेच रही हैं, अमेरिका की भी कंपनियां भी हथियार बना रही हैं, दूसरे देशों को बेच रही हैं। अगर आप ध्यान से अखबार पढ़ते हैं तो 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा अमेरिका की एक बड़ी कंपनी जो F-16 विमान बनाती है, फाइटर प्लेन, उसने पाकिस्तान को बेचना शुरू किया है। परिणाम क्या निकलेगा? भारत भी वही खरीदेगा, क्योंकि भारत को पाकिस्तान से डर है, पाकिस्तान को भारत से डर है। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को बेचना शुरू किया तो भारत सरकार भी खरीदेगी। थोड़े दिन के बाद पाकिस्तान सरकार और ज्यादा खरीदेगी तो भारत सरकार और ज्यादा खरीदेगी। तो अमेरिका का दोनों देशों में व्यापार चल गया हथियार बेचने का, F-16 प्लेन बेचने का। और F-16 का फाइटर प्लेन कोई कॉलगेट का पेस्ट नहीं है जो 10-20 रुपए में बेचा जाए। ये तो ऐसा फाइटर प्लेन है जो अरबों डॉलर में बिकता है और उसमें मुनाफा हजारों प्रतिशत में होता है। ऐसे ही तरीके से हथियार बेचने के काम किए जाते हैं। एक देश को देना, फिर पड़ोसी देश अपने आप खरीदेगा, उसको देना तो उसका पड़ोसी अपने आप खरीदेगा, फिर उसको देना तो उसका पड़ोसी अपने आप खरीदेगा। तो हथियारों की एक अंधी दौड़ पूरे दुनिया में जो चल रही है दूसरे विश्व युद्ध के बाद, उसका सबसे बड़ा लाभ अमेरिका और यूरोप को हो रहा है। ये लाभ जो है इतना अधिक है कि इन दोनों इलाके में, अमेरिका और यूरोप के इलाके में, पिछले 50 साल में अभूतपूर्व समृद्धि आई है।
50 साल पहले का यूरोप का अध्ययन अगर आप करें और अमेरिका का अध्ययन करें तो पिछले 50 साल में यूरोप और अमेरिका की पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आमदनी हजारों गुनी बढ़ी है सिर्फ इन युद्धों के होने से, क्योंकि उनको भयंकर हथियार बेचने के रास्ते खुल गए हैं। तो इस तरह से दुनिया चल रही है। और ये युद्ध किस तरह से किए जाते हैं या करवाए जाते हैं, एक छोटा उदाहरण आपको देता हूं, आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आएगा कि हथियार बेचने के लिए क्या क्या किया जाता है दुनिया में। 1979 में अमेरिका का एक अखबार है, उसका नाम है वॉशिंगटन पोस्ट। उसमें एक न्यूज आई, खबर आई जुलाई के महीने में, 16 जुलाई 1979 को अमेरिका का बहुत बड़े पैमाने पर बिकने वाला अखबार वॉशिंगटन पोस्ट, उसके फ्रंट पेज पे मुख्य पृष्ठ पे एक खबर छपी। खबर ये थी कि इराक और ईरान नाम के दो देश, पड़ोसी देश, इनके बीच में एक क्षेत्र है, दो देशों के बीच में एक क्षेत्र है, उसको अरबी भाषा में शत अल अरब कहते हैं। तो शत अल अरब नाम का जो क्षेत्र है ईरान और इराक के बीच में, इसमें भयंकर मात्रा में तेल छुपा हुआ है, ये खबर वॉशिंगटन पोस्ट के फ्रंट पेज पर छप गई। अब ये खबर जब छपी तो दोनों देशों की सरकार के कान खड़े हो गए और उन्होंने देखना शुरू किया कि ये जो शत अल अरब नाम का क्षेत्र है इसमें इतना अधिक तेल है। और खबर जब छपी तो उसमें रेफरेंस दिया गया कि अमेरिका के जो सैटेलाइट अंतरिक्ष में घूम रहे हैं उनसे मिली जानकारी के अनुसार, तो और ज्यादा विश्वास हो गया, इसमें अविश्वास का कोई कारण ही नहीं। तो ईरान और इराक दोनों देशों की सरकार के कान खड़े हुए और दोनों देशों ने यह कहना शुरू किया कि ये जो शत अल अरब है जहां पर ज्यादा मात्रा में तेल छुपा हुआ है ये हमारा है। दोनों ने क्लेम करना शुरू किया, ईरान ने क्लेम किया, इराक ने क्लेम किया। जब दोनों देशों ने एक ही क्षेत्र पर अधिकार जताना शुरू किया तो झगड़ा होना स्वाभाविक था। तो इनका झगड़ा यूनाइटेड नेशन में गया। संयुक्त राष्ट्र तो इसीलिए बनाया गया है दो देशों के आपस के झगड़ों का निपटारा करने के लिए, लेकिन आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र काम करता है अमेरिका के इशारे पर, पूरी तरह से वो अमेरिका का जेब में रहने वाला संगठन हो गया है। अमेरिका किसी भी देश पर अगर हमला करने का फैसले तो संयुक्त राष्ट्र उसको पलट नहीं सकता, जैसा कि अभी आपने इराक के केस में देखा। इराक के केस में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बनाई गई रिपोर्ट ये कहती है कि इराक के पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है। अमेरिका कहता है, संयुक्त राष्ट्र कहता है नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि हम इराक के खिलाफ युद्ध की अनुमति नहीं दे सकते। अमेरिका ने कहा तुम बाजू में बैठो, हम युद्ध शुरू करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के सारे प्रस्तावों का उल्लंघन करके अमेरिका ने युद्ध शुरू किया और संयुक्त राष्ट्र कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र एक ऐसा शेर है जिसके दांत नहीं है, किसी को काट नहीं सकता है, गुर्रा सकता है बस। और अमेरिका की जेब में रहता है संयुक्त राष्ट्र, क्योंकि अमेरिका के द्वारा दिए गए फंड्स पर संयुक्त राष्ट्र की बहुत सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। फंड्स तो दूसरे देश भी देते हैं लेकिन अमेरिका थोड़ा ज्यादा देता है, इसलिए उसकी बात माननी पड़ती। तो इसी तरह से 1989 में जब यह घटना घटित हुई तो संयुक्त राष्ट्र में मामला गया। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों ने इसमें कोई फैसला नहीं दिया, लिहाजा दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ युद्ध करने का तय कर लिया। जब फैसला नहीं हो पाया झगड़े का तो ईरान और इराक एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगे। वही टाइम में सद्दाम हुसैन इराक का प्रेसिडेंट बना और इसको अमेरिका ने प्रेसिडेंट बनवाया, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा समर्थित एक पार्टी है इराक में, उसका नाम है बाथ पार्टी, जिसका वो लीडर था सद्दाम हुसैन। तो बाथ पार्टी को सत्ता में लाने का काम अमेरिका ने करवा दिया, सद्दाम हुसैन को लीडर बनाने का काम अमेरिका ने करा दिया। जिस समय सद्दाम हुसैन लीडर बना इराक का, उस समय ये पढ़ाई करता था, लॉ का स्टूडेंट था, सेकंड ईयर में पढ़ता था बगदाद यूनिवर्सिटी में। अमेरिका से इसकी बहुत नजदीकी रही सद्दाम हुसैन की, तो अमेरिका ने पैसा देकर समाचारों में काफी कुछ उसके बारे में अच्छी बातें लिखकर लीडर बना दिया और सद्दाम हुसैन लीडर होके प्रेसिडेंट हो गया। प्रेसिडेंट होने के बाद उसने अमेरिका के कहने पर ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। इधर अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को हथियार बेचना शुरू किया, उधर अमेरिका ने ईरान को भी हथियार बेचना शुरू किया। दोनों देशों ने भरपूर हथियार खरीदे और एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किए। 10 साल तक यह युद्ध होता रहा ईरान और इराक का, लाखों लोग इसमें मारे गए और हजारों करोड़ डॉलर के हथियार इसमें खर्च हो गए।
10 साल के बाद फिर क्या हुआ, जब अमेरिका की कंपनियों ने भरपूर हथियार बेच लिए और उनके सारे खजाने खाली हो गए, गोडाउन्स खाली हो गए, तब अमेरिका ने दोनों देशों से कहा कि अब शांति वार्ता करो। 10 साल तक युद्ध कराया, फिर कहा अब शांति वार्ता करो। तो शांति वार्ता कराने के लिए एक विशेष सत्र बुलाया गया यूनाइटेड नेशन का, उसमें दोनों देशों को साथ बिठाया गया और उनको ये कहा गया कि अगर आपके इस क्षेत्र में तेल है तो तेल की खोज कर लो, मिलेगा तो आधा आधा बांट लो, है ना, कितना सरल है। लेकिन 10 साल के बाद जब युद्ध हो गया, हथियार बिक गए, सब कुछ हो गया, खजाने खाली हो गए, तो दोनों देशों को साथ बिठाकर कहा गया कि भाई तेल है तो खोज लो, मिले तो आधा आधा बांट लो, इसमें परेशानी क्या। अब दोनों ही देशों ने यह कहा कि हम तेल की खोज करें तो हमारे पास उतनी इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि हथियार खरीदने में सारे पैसे खर्च हो गए दोनों देशों के, जितना भी रिजर्व था खजाना पूरा खाली हो गया, पैसा तो सब अमरीका पहुंच गया। तो दोनों देशों को अमरीका ने कहा अच्छा ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है, पैसे हम लगा देते हैं, राइट्स हमको दे दो। तो अमरीकी कंपनियों को वहां तेल खोजने का पूरा अधिकार मिल गया। अमरीकी कंपनियों ने उस इलाके में तेल खोजना शुरू किया। 2 साल के बाद अमरीकी कंपनियों ने कहा कि इस इलाके में कोई तेल नहीं है। अब देखिए, इस इलाके में कोई तेल नहीं है, तो दोनों देश खामोश होकर शांत बैठ गए। 10 साल पहले ये खबर आई थी वॉशिंगटन पोस्ट में कि इसमें भरपूर तेल है, तो इन लोगों ने शिकायत किया वॉशिंगटन पोस्ट के खिलाफ। जब वॉशिंगटन पोस्ट के खिलाफ शिकायत हुआ तो वॉशिंगटन पोस्ट के एडिटर ने क्षमा मांग लिया कि भाई गलत खबर छप गई, माफ कर दीजिए हमको, और अमरीका ने उसकी पैरवी कर दिया कि हाँ हाँ माफ कर दीजिए, कभी गलत खबर छप जाती है। तो कहा गया कि ये खबर तो सैटेलाइट के माध्यम से आई थी, तो सैटेलाइट भी गलती कर सकता है, मशीन है ना, मशीन तो गलती कर ही सकती है, आदमी कर सकता है, आदमी मशीन बनाता है तो मशीन भी गलती कर सकती है। तो लिहाजा वो चैप्टर वहां खत्म हो गया। लेकिन खूबसूरती इस पूरी दुर्घटना की ये रही कि दोनों देश एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए। एक ही कौम को मानने वाले, एक ही मजहब को मानने वाले, एक साथ अल्लाह की प्रार्थना करने वाले लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए, और इतने जान के दुश्मन हो गए कि उनके बंटवारे हो गए और झगड़े शुरू हो गए, और आज तक रुके नहीं। तो युद्ध कैसे कराया जाता है उसका मैंने आपको एक मिसाल दिया। इसी तरह से वियतनाम में हुआ था, इसी तरह से कोरिया में हुआ था, इसी तरह से लैटिन अमेरिका के चिली, कोस्टारिका, कोलंबिया जैसे देशों में हुआ था। तो दुनिया के छोटे छोटे ऐसे देशों में जहां पर सरल प्रकृति के लोग रहते हैं, जिनकी प्रकृति बहुत सहज और सरल होने की होती है, उन देशों के नेताओं को बरगलाकर, अधिकारियों को खरीद कर, लोगों का दिमाग बदल के कैसे युद्ध के लिए तैयार किया जाता है, उसके लिए पिछले 50 साल से, 55 साल से, 57 साल से, जबी से माने 1945 से, बहुत बड़ा प्रयास यूरोप और अमेरिका के द्वारा हो रहा है। और वो प्रयास ये है कि उनको हथियार बेचने हैं, हथियार बेचकर मुनाफा कमाना है, और मुनाफा कमाकर अपने देश को अमीर और अमीर और अमीर बनाते चले जाना है, ये है। अब आपको इस घटना से एक बात समझ में आनी चाहिए जो मैं आपके दिमाग में लाने की कोशिश कर रहा हूं, कि यूरोप और अमेरिका की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी कमाई, इनकम अगर कहीं से होती है तो हथियारों की बिक्री से होती है। हथियारों की बिक्री यूरोप और अमेरिका के देशों का सबसे बड़ा धंधा है। अगर हथियारों की बिक्री सबसे बड़े पैमाने पर ये करते हैं तो शांति कैसे स्थापित हो सकती है, जरा सोचिए। जितने ज्यादा हथियार बिकेंगे उतने ज्यादा अशांति होने की संभावना है, जितने ज्यादा बम बनेंगे उतने ज्यादा युद्ध होने की संभावना है। तो मजे की बात यह है कि यूरोप और अमेरिका के देश सबसे ज्यादा हथियार बेचते हैं और सबसे ज्यादा दुनिया में शांति की बात करते हैं, सबसे ज्यादा। आपको हर दूसरे तीसरे दिन अमेरिका के किसी मंत्री का, अमेरिका के किसी राष्ट्रपति का अखबार में बयान मिल जाएगा, भारत पाकिस्तान को दोस्ती करनी चाहिए, आता है ना अक्सर, कभी स्टॉप टॉलबोट आके बोल जाता है, कभी उनकी वो कोई महिला आके बोल जाती है, कोंडोलिसा राइस आके बोल जाती है, कभी जॉर्ज बुश स्टेटमेंट दे देता है, कभी बिल क्लिंटन देता था कि भारत पाकिस्तान को दोस्ती करनी चाहिए। ये वो लोग कहते हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बनाते हैं, बेचते हैं, और हथियारों का अंतिम उद्देश्य एक ही होता है, युद्ध और युद्ध। सबसे ज्यादा अशांति पैदा करने वाले जो देश हैं दुनिया में, वही शांति की बात करके आपको, मुझको, सबको मूर्ख बनाते रहते हैं।
और हम सब सीधे साधे भोले भाले लोग मूर्ख ही बनते रहते हैं। अगर हम अमेरिका और यूरोप के देशों को ये पलटकर कहना शुरू करें कि हम भारत पाकिस्तान में तो दोस्ती हो जाएगी, दुनिया के सभी देशों में दोस्ती हो जाएगी, अमेरिका की सब कंपनियां हथियार बनाना बंद कर दें, ये वो मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हम हथियार बनाते रहेंगे, तुम मत बनाओ। न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए तो अमरीका के पास आओ, तुम मत बनाओ अपना। अगर तुम बनाओगे तो हम तुम्हारे ऊपर पाबंदी लगाएंगे। तुम फाइटर प्लेन्स मत बनाओ, तुम मिसाइल मत बनाओ, तुम कुछ भी मत करो, तुमको जरूरत हो हमारे पास आओ। आप देखते हैं ना, जिस दिन भी भारत की सरकार कोई मिसाइल का परीक्षण करती है, अगले दिन अमेरिका की तरफ से कोई बयान आ जाता है ना कि हम चाहते हैं कि शांति स्थापित हो इस क्षेत्र में। क्यों वो चाहते हैं शांति? वो इसलिए नहीं चाहते कि सच में शांति हो, वो इसलिए चाहते हैं कि भारत अगर मिसाइल बनाते जाएगा, अच्छी अच्छी मिसाइलें बनाएगा, तो अमरीकी मिसाइल कौन खरीदेगा फिर? अगर हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया, जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया या नहीं किया ये हमारे ऊपर निर्भर है, लेकिन अमरीकी बॉम्ब कौन खरीदेगा फिर? तो उनको अपना मार्केट बना के रखना है तो दूसरे देशों को ये सिखाना है कि तुम कुछ मत करो, हम हथियार बनाते रहें, तुम उनको खरीदते रहो, तुम हमको पैसा देते रहो, हमारी इकोनॉमी उससे चलती रहे और शांति से अपने यहां बैठे रहो, तुम कुछ मत करो। ये उनकी फिलॉसफी है या ये उनकी पॉलिटिक्स है, यही उनकी राजनीति है। ये राजनीति एक स्तर पर चलती है और इसका सबसे नंगा स्वरूप आपने देखा हो तो अभी आपको दिखाई दे जाएगा। देखिए कैसे होता है। यूरोप के कुछ देशों ने इराक युद्ध का विरोध किया, आपको मालूम है, फ्रांस ने किया, लेकिन आपको यह मालूम है कि इन्होंने हथियार बेचने से अपने को पीछे नहीं रखा। उन्होंने कहा युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन युद्ध हुआ और हथियार बिके तो हथियार बेचने में आगे है। फ्रांस भी आगे है, जर्मनी भी आगे है, ब्रिटेन भी आगे है। और यह नूरा कुश्ती होती है, एक हिंदी शब्द होता है नूरा कुश्ती, बाहर दिखाना कि सच में दो पहलवान लड़ रहे हैं, अंदर से दोनों एक ही है। यूरोप और अमेरिका कभी एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, आपको और मुझको बताने के लिए कभी कभी दुश्मनी का नाटक करते हैं। जैसे फ्रांस और जर्मनी ने अमेरिका का बहुत विरोध किया इराक युद्ध के विरोध में, लेकिन वास्तविकता में अंदर खाने क्या हुआ, फ्रांस ने भी हथियार बेचे, जर्मनी ने भी हथियार बेचे, ब्रिटेन ने भी हथियार बेचे, अमरीका ने भी हथियार बेचे, अरबों डॉलर के हथियार अभी इराक हमले के समय इस्तेमाल हुए। इसी तरह अफगानिस्तान में हुआ। तो युद्ध की जो राजनीति है ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली राजनीति है, यूरोपियन देशों को और अमेरिका को। ये एक बात। दूसरी एक बात हमें और समझनी चाहिए, वो ये समझनी चाहिए कि ये यूरोप और अमेरिका के जो देश हैं हथियारों का उत्पादन करते हैं, उसके अलावा दवाएं भी बनाते हैं, रासायनिक खाद भी बनाते हैं, टूथपेस्ट टूथ पाउडर भी बनाते हैं, कपड़े भी बनाते हैं, जूते चप्पल भी बनाते हैं, खेलकूद के खिलौने भी बनाते हैं, ये चीजें भी बनाते हैं। और युद्ध के अलावा जो कुछ वो बनाते हैं उसका खपत करने की गुंजाइश उनके देश में बहुत कम है। अर्थात अमेरिका और यूरोप के देशों में युद्ध के हथियारों के अलावा जितनी चीजों का उत्पादन होता है उनकी खपत उनके यहां सबसे कम होती है। कारण क्या है? यूरोप और अमेरिका की आबादी बहुत कम है। यूरोप की कुल आबादी अगर आप गिनना शुरू करें तो गिनिए, फ्रांस की आबादी 6.5 करोड़, ब्रिटेन की आबादी 6.5 करोड़ के आसपास, जर्मनी की आबादी लगभग 5 करोड़ 5.25 करोड़, स्वीडन की आबादी 1 करोड़ के आसपास, स्विट्जरलैंड की आबादी 1 करोड़ से कम, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड तीनों की आबादी 1 करोड़ से कम। ये सभी देशों की कुल आबादी बहुत कम है। यूरोप के सब देशों को एक साथ इकट्ठा कर दो तो भारत के एक प्रदेश से छोटे हैं, उत्तर प्रदेश। हमारे अकेले उत्तर प्रदेश की आबादी 18 करोड़ 18 कोटी। तो इन देशों की आबादी बहुत कम है। आबादी कम होने से कंजम्पशन कम है, उत्पादन तो बहुत है लेकिन उपभोग उसका उतना नहीं है। और अमेरिका की आबादी अगर आप कुल मिला के देखो तो 27 करोड़। तो 27 करोड़ अमेरिका की आबादी और यूरोप के देशों की कुल आबादी अगर ये जोड़ दिया जाए तो ये दुनिया का
कुल मिला के ज्यादा से ज्यादा बैठेगा तो 40-50 करोड़ के आसपास का एरिया है, इससे ज्यादा यहाँ लोग नहीं रहते। तो इनके यहाँ लोग तो बहुत कम रहते हैं, और दुनिया में इस समय अगर कुल मिला के देखा जाए तो 650 करोड़ लोग रहते हैं। 650 करोड़ में से मात्र 50 करोड़ लोग यूरोप और अमेरिका में रहते हैं। तो इनके यहाँ समस्या क्या होती है कि ये टूथपेस्ट बनाते हैं इस हिसाब से कि 100 करोड़ लोग इस्तेमाल करें, टूथ पाउडर बनाते हैं इस हिसाब से कि 100 करोड़ लोग इस्तेमाल करें, कोई भी चीज बनाते हैं इस हिसाब से कि 100 करोड़ लोग इस्तेमाल करें, लेकिन उनके यहाँ इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। तो इनके यहाँ होता यह है कि उत्पादन तो बहुत हो जाता है, खपत उसकी होती नहीं है। और इन्होंने एक ऐसा आर्थिक सिद्धांत अपनाया हुआ है जिसमें यह कहा जाता है कि उत्पादन बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, अरे खपत होती नहीं है तो उत्पादन बढ़ाने से फायदा क्या। तो कहते हैं कि खपत बढ़ाने के लिए दूसरे देशों में माल अपना बेचते जाओ बेचते जाओ बेचते जाओ, तो माल बने अमेरिका और यूरोप में और बिके दूसरे देशों में जाकर। तो इनकी कोशिश क्या रहती है यूरोप और अमरीकी देशों की कि ये माल जो भी पैदा करें दूसरे देशों में इनका माल बिकता रहे, और ज्यादा से ज्यादा इनका माल बिकता रहे। इसके लिए ये कुछ भी साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति अपनाने के लिए लगे रहते हैं। अमरीका में पैदा हुआ माल यूरोप के देशों में पैदा हुआ माल भारत में बिके, पाकिस्तान में बिके, बांग्लादेश में बिके, और पड़ोसी हमारे कोई भी देश फिलीपींस में बिके, इंडोनेशिया में बिके, मलेशिया में बिके, सब देशों में उनका माल ज्यादा से ज्यादा बिके, क्योंकि उनके यहाँ अपना माल बिकने की गुंजाइश कम है। तो इस कोशिश में ये लगे रहते हैं। अब जब कोई देश अपने अतिरिक्त माल को, जिसको सरप्लस कहते हैं, सरप्लस प्रोडक्ट्स को दूसरे देश में जबरदस्ती बेचने की कोशिश करेगा तो झगड़ा होना स्वाभाविक है। तो यूरोप और अमेरिका के देश जब जबरदस्ती अपना माल दूसरे देशों में ले जाकर बेचने की कोशिश करते रहे हैं तो आपस में झगड़े होते रहे हैं। इन झगड़ों का निपटारा करने के लिए गेट नाम की एक संस्था बनी 1948 में, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। झगड़े क्या है, अमरीकी और यूरोप के देश चाहते हैं कि भारत में सारा माल उनका बिके, भारत के लोग चाहते हैं कि भारत में उनका माल बिके, अब झगड़ा होगा। पाकिस्तान में चाहते हैं अमरीकी और यूरोप के देश के हमारा सब माल बिके, लेकिन पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी माल बिके। इंडोनेशिया में चाहते हैं अमरीकी और यूरोपियन देश के हमारा सबसे ज्यादा माल बिके, लेकिन इंडोनेशिया के लोग चाहते हैं कि हमारे देश में हमारा माल बिके। तो इसमें झगड़े होना स्वाभाविक है। तो ये झगड़ों का निपटारा कैसे हो, इसके लिए एक संस्था बने, संगठन बने, यही संस्था और संगठन का नाम रख दिया गैट। ये बन गया 1948 में। मैंने आपसे कहा कि भारत इसके बनाने के समय मेंबर रहा, अमेरिका भी इसमें मेंबर था, फ्रांस भी था, जर्मनी भी था, ब्रिटेन भी था, 23 देशों ने मिलकर इसको बनाया। बाद में क्या हुआ, धीरे 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 और भी देश इसमें शामिल हो गए। बाद में कुछ 35 देश आए, 4-5 साल के बाद और 10-12 देश आए, ऐसे करते 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 आज इसमें 126 देश शामिल हैं। दुनिया में देशों की संख्या है 204, और उसमें से 126 शामिल हैं गैट नाम के संस्था के अंदर या समझौते के अंदर। ये सभी देशों ने आपस में मिलकर एक नियम बनाया कि जब भी अतिरिक्त सरप्लस प्रोडक्ट को दूसरे देश में बेचने पर कोई भी झगड़ा होगा, टैक्स का झगड़ा हो या क्वांटिटी का झगड़ा हो, रिस्ट्रिक्शन का झगड़ा हो, कोई भी झगड़ा हो, इनका निपटारा करने के लिए हम आपस में बैठकर गेट में बात करेंगे, नियम कायदे कानून उसके हिसाब से बनाएंगे। 1948 में जब ये गेट शुरू हुआ तो 1986 तक ये गेट इसी आधार पर काम करता रहा। आधार क्या, अगर कोई देश का सामान दूसरे देश में बिकने के लिए जाता है और वहां कोई झगड़ा शुरू होता है तो उस झगड़े का निपटारा करना गैट का काम है। इस आधार पर यह काम करता रहा 1948 से 1986 तक। लेकिन 1986 में आने के बाद, 1986 का साल जब आ गया 1986 का, तब अमरीकी और यूरोपियन देशों ने यह तय किया कि हमें गैट का उपयोग और ज्यादा तरीके से करना है। और ज्यादा तरीके से क्या करना है, अगर वो कोई अपना माल लेके भारत में बेचने के लिए लाते हैं और भारत की सरकार कहती है कि नहीं हम ये माल नहीं बिकने देंगे और उसको रोकने के लिए वो कोई कदम उठाती है, तो इन अमरीकी और यूरोपियन देशों ने आपस में मिलकर तय किया कि हम कुछ ऐसे कानून बनवाएं ताकि हमारा माल रोकने के लिए कोई भी कदम दुनिया की सरकारें ना उठाएं।
अक्सर ये झगड़े होते थे, अमेरिका का कोई माल भारत में आया, हमारी जरूरत नहीं है, सरकार ने उस पर टैक्स लगा दिया। उदाहरण के लिए अमेरिका के देशों से संतरा भारत में बिकने के लिए आया, हम भारत में भरपूर मात्रा में संतरा पैदा करते हैं और हमारे पास कोई आवश्यकता नहीं है अमरीकी संतरा खाने की, हमें जरूरत भी नहीं है, हमारे विदर्भ में बहुत अच्छा संतरा होता है। तो भारत सरकार ने अमरीकी संतरे पर पाबंदी लगाई। पाबंदी लगाने के दो रास्ते होते हैं, एक तो होता है टैरिफ, माने टैक्स लगा दिया, इतना ज्यादा टैक्स लगा दो कि अमरीकी संतरा भारत के संतरे से सस्ता ना बिक पाए, इतना टैक्स लगा दो, तो उसको कहते हैं टैरिफ बैरियर, ताकि अमरीकी संतरा भारत में बिकने के लिए ना आए। दूसरा होता है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। वो क्या होता है, अगर अमेरिका ने बहुत जोर डाला और भारत सरकार को कन्विंस कर लिया, तो भारत सरकार ने कहा अच्छा ठीक है, साल में 10 किलो संतरा अपना तुम भारत में बेचो, 10 किलो से 1 किलो भी ज्यादा हुआ तो हम फिर पाबंदी लगा देंगे। इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। तो दो तरीके से बाहर से आने वाले सामान को रोका जाता है किसी भी देश में, भारत भी रोकता है, पाकिस्तान भी रोकता है, अमेरिका भी रोकता है, फ्रांस भी रोकता है, जर्मनी भी रोकता है, हर एक देश अपने बाजार में आने वाले विदेशी सामान को रोकने के लिए ये दो ही रास्ते अपनाता है, या तो वो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगाता है, या तो उसके ऊपर टैक्स इतना ज्यादा लगा देता है कि वो महंगा हो जाए। ये तरीके से अमेरिका और यूरोप के देशों का सामान भारत में रोका जाता था। इन देशों ने क्या सोचा कि अगर हम ये क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन और टैरिफ बैरियर दोनों समाप्त करा लें, तो फिर भारत या भारत जैसे तमाम देश हमारा कोई माल रोक नहीं पाएंगे अपने बाजार, हम जितना चाहेंगे उतना माल भारत और भारत के पड़ोसी देशों में बेच पाएंगे। उनके यहाँ परेशानी क्या है, मैंने आपसे कहा कि माल का उत्पादन तो बढ़ता जा रहा है, कंजम्पशन उसका है नहीं। अब जब उत्पादन ज्यादा होता है और उपभोग कम होता है, तो अर्थशास्त्र की परिभाषा में एक संकट आता है, उसको कहते हैं मंदी, रिसेशन, इकोनॉमिक रिसेशन, आर्थिक मंदी। तो ये यूरोप और अमेरिका के देशों में चलती है भयंकर आर्थिक मंदी, और मंदी का कारण ये है कि उनके यहाँ पैदा हुआ माल ज्यादा उनके यहाँ बिकता नहीं और दूसरे देशों में भी बिकने की गुंजाइश नहीं, तो माल तो ज्यादा हो रहा है लेकिन उत्पादन तो होने से कोई लाभ नहीं, उपभोग होता नहीं है, तो उसमें से जो लाभ आना चाहिए आता नहीं है। तो इन्होंने सोचा कि अपने देश की जो मंदी है उसको दूर करने के लिए हम भारत जैसे तमाम देशों में जहाँ पर बाजार बहुत बड़ा है, कितना बड़ा है, 103 करोड़ की लोकसंख्या हमारी, चीन की 140 कोटी की लोकसंख्या, और चीन और भारत को मिला दें तो आधी दुनिया, 140 कोटी और 103 कोटी तो 243 कोटी हो गया, लगभग आधी दुनिया हो गई। और फिर हमारे पड़ोसी देशों को देखें, इंडोनेशिया 18 कोटी का देश, पाकिस्तान 14 कोटी का देश, 18 कोटी के यूरोप में कोई देश नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, यूरोप का सबसे बड़ा देश है जो ब्रिटेन और फ्रांस और जर्मनी, 6-6, 7-7 कोटी से नीचे के हैं, लेकिन एक ही देश है 18 कोटी का, इंडोनेशिया, फिर मलेशिया, फिर फिलीपींस, फिर थाईलैंड, फिर ये सब देश। तो ये सब जो एशिया के देश हैं, अगर एशिया को इकट्ठा कर लिया जाए तो ये दुनिया का, एशिया और अफ्रीका, अफ्रीका के देश देखो, नाइजीरिया 19 कोटी का देश, सूडान, लीबिया 12-13 कोटी के देश, और नीचे आ जाइए साउथ अफ्रीका 11 कोटी का देश। तो ये अफ्रीका और एशिया के देशों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो 3/4 दुनिया तो यही है, और यही 3/4 दुनिया के बाजारों में यूरोप और अमेरिका का माल ज्यादा से ज्यादा बिकना चाहिए। ये इसके ऊपर टैरिफ बैरियर ना लगाएं, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ना लगाएं, ये 1986 में यूरोप और अमेरिका की सरकारों ने आपस में बैठ के तय किया कि हम कुछ ऐसा कदम उठाएं ताकि हमारे माल पर कोई रोक टोक ना लगे, इन देशों में आसानी से जाए। तो इसके लिए इन्होंने बोलना शुरू किया कि गैट के नियम चेंज करो, गैट के कानून चेंज करो, नियम चेंज करो, पुराने हो गए हैं, 30 साल पुराने हो गए, 35 साल पुराने हो गए, 40 साल पुराने हो गए। नियम कभी बने थे, 1948 में, और बात शुरू हो गई 1986 में। तो इन्होंने बोलना शुरू किया बहुत पुराने हो गए, बदल करो, बदल करो, बदल करो। तो गैट में आपस में मिलके एक तय कर लिया कि हम अब पुराने नियम बदलेंगे, तो पुराने नियम बदलेंगे तो नए नियम बनेंगे, तो नए नियम बनाने के लिए एक समिति बनाओ। तो एक समिति बनाई गई, उस समिति का अध्यक्ष एक व्यक्ति को बनाया गया, उसका नाम था आर्थर डंकल। वो समिति का अध्यक्ष बना और उसने अपने समिति में काम करने के लिए 20-25 लोगों को चुन लिया कि ये मेरे साथ काम करेंगे।
तो वो समिति बन गई, समिति ने काम शुरू किया। समिति ने 1986 में जब ये काम शुरू किया तो दुनिया के सभी देशों के लिए एक प्रस्ताव बना दिया, एक ड्राफ्ट बना दिया, उसी का नाम हो गया डंकल ड्राफ्ट। बाद में उसका नाम हो गया गेट एग्रीमेंट और 1 जनवरी 2005 से उसका नाम हो जाएगा WTO एग्रीमेंट। जब ये लागू होगा तो अब इसका नाम होगा WTO एग्रीमेंट। ये तीन पड़ाव इसके थे, पहले ये था गेट करार, उसके पहले था डंकल प्रस्ताव, अब हो जाएगा WTO एग्रीमेंट। तो ये जो प्रस्ताव बना आर्थर डंकल के द्वारा, इसमें बाद में कुछ और भी जोड़ हुआ, कुछ घटाव हुआ, तो प्लस माइनस होता रहा, अभी ये फुल फ्लेज होके आ गया है और वही मेरे हाथ में है जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। ये जो इन्होंने बना दिया है प्रस्ताव, यूरोप और अमरीकी देशों के सरकारों के कहने पर आर्थर डंकल और उसके सहयोगियों ने जो प्रस्ताव बना दिया है, इसमें लगभग 2000 शर्तें हैं और इसकी शर्तें बड़ी विचित्र विचित्र हैं। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे। इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर भारत सरकार ने किया 15 दिसंबर 1994 को। भारत के बाद इस पर हस्ताक्षर किया अमेरिका ने। हाँ, एक बात जो किसी के ध्यान में नहीं है, गेट करार पर, डंकल प्रस्ताव पर, WTO एग्रीमेंट पर भारत सरकार ने पहले हस्ताक्षर किया है, अमेरिका ने उसके बाद किया है। और अमेरिका के बाद यूरोप के देशों ने किया है। सबसे बाद में इस पर हस्ताक्षर करने वाला सबसे बड़ा देश है चीन। चीन ने अभी मुश्किल से 2 साल पहले इस पर हस्ताक्षर किया है। भारत ने तो 1994 में किया, अमेरिका ने 1995 में किया, यूरोप के देशों ने 1996 के बाद में किया। अच्छा, आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि भारत ने पहले हस्ताक्षर किया, अमेरिका ने बाद में क्यों किया? अमेरिका के मन में पहले से एक बहुत बड़ी साजिश थी, योजना थी, चोरी करने की, बेईमानी करने की, इसलिए उसने भारत को पहले प्रेशराइज किया, तुम हस्ताक्षर कर दो। जब भारत की ओर से यह बात अमेरिका की तरफ कही गई कि भाई आप भी तो करो, तो उनका हम तो कर देंगे, तुम पहले कर दो। हाँ, हम तो कर देंगे। और भारत की सरकार इसमें फंस कैसे गई हस्ताक्षर पहले करने में? आप याद करिए, 1991 में भारत में जब सरकार बनी थी तो भारत की आर्थिक हालत बहुत खराब थी। इतनी खराब हालत थी कि हमारे देश का सोना गिरवी रख के हमने कर्ज लिया था बैंक ऑफ इंग्लैंड से। 47 मीट्रिक टन हमने सोना गिरवी रखा था बैंक ऑफ इंग्लैंड में। 1 मीट्रिक टन में 1000 किलो होता है, 47,000 किलोग्राम सोना हमने गिरवी रखा था। 1 किलो सोना लगभग इस समय 7 लाख रुपए के आसपास है, आप कल्पना कर सकते हैं हमने कितना देश का धन गिरवी रखा था। हालत बहुत खराब थी, हमने कर्जा लिया था, सोना गिरवी रखा था। उसी समय अमरीकी और यूरोपियन देशों को मौका मिल गया। मौका क्या मिल गया? हमने इन देशों की तरफ भी हाथ फैलाया था कर्जे के लिए, तो इन्होंने कहा तुमको कर्जा चाहिए तो गेट करार साइन कर दो, पहले WTO साइन कर दो। तो भारत सरकार को कर्जे के लालच में फंसाकर इन्होंने ये हस्ताक्षर पहले करा लिया। अच्छा, मजे की बात क्या हुई, एक और इंटरेस्टिंग बात जो शायद आप नहीं जानते, जैसे ही भारत ने हस्ताक्षर किया दुनिया के 77 देशों ने अगले ही दिन हस्ताक्षर कर दिए। हाँ, 77 देशों ने अगले ही दिन कर दिया। भारत ने 15 दिसंबर को किया 1994, 16 दिसंबर 1994 को दुनिया के 77 देशों ने हस्ताक्षर किया। ये देश कौन थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नाइजीरिया, कीनिया, सोमालिया, इथियोपिया, साउथ अफ्रीका, ये सब देशों ने किया। जब इन देशों से ये पूछा गया कि तुमने हस्ताक्षर क्यों किया, तो उन्होंने कहा जी भारत ने किया तो हमने कर दिया। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट उनका यही कहना था, जी भारत ने किया तो हमने कर दिया। तो भारत ने क्या किया और तुमने क्यों किया? तो वो कहते थे जी भारत सरकार ने किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा, हमको इसमें सोचने की भी फुर्सत नहीं है, जरूरत भी नहीं है। अच्छा, इन सब देशों ने ये जो कहा इसमें उनका कोई दोष नहीं है। कारण क्या है कि ये जो 77 देश थे ना, इनका लीडर था भारत। हाँ, ये देशों को दुनिया में कहा जाता है G77। तो ये जो G77 थे, इनका था लीडर भारत 94 में। भारत G77 का अध्यक्ष था, प्रेसिडेंट था। तो जब प्रेसिडेंट ने साइन किया तो नीचे मेंबर तक सबने साइन कर दिया।
इन्होंने ना सोचा ना विचारा कि हमको क्या होगा, हमको क्या होगा, हमको क्या होगा। उन्होंने क्या कहा, जो भारत को होगा वो हमको होगा। ऐसा बाद में G77 के देशों के कुछ लोगों ने जब इसको देखना पढ़ना समझना शुरू किया तब उनको लगा कि ये तो बहुत बड़ा धोखा हो गया। और अब यही G77 में 25-26 ऐसे देश हैं जो गैट को रद्द करने के लिए अभियान चला रहे हैं। उनमें एक है सोमालिया, एक है इथियोपिया, वेस्ट इंडीज बहुत छोटा सा देश है, देश नहीं कहना चाहिए, द्वीपों का समूह है वेस्ट इंडीज, वो बहुत बड़ा अभियान चला रहा है गैट को रद्द होना चाहिए। और लास्ट कॉन्फ्रेंस जब हुआ था गैट का तो सबसे बड़ा विरोध उन्होंने ही किया था, वेस्ट इंडीज के प्रतिनिधियों ने। अब वो कह रहे हैं कि भाई धोखा हो गया, हमने देखा नहीं, हमने सोचा नहीं, समझा नहीं, हम तो भारत के ऊपर निर्भर थे, भारत की सरकार ने भी ना देखा ना सोचा ना समझा साइन कर दिया। भारत की सरकार का प्रॉब्लम क्या था, बैगर्स हैव नो चॉइस, साइन करो, हमको कर्ज लेना है तो कर्ज की शर्त लगा दी उन्होंने, शर्त लगा दी तो ये साइन कर लिया। अब जब भारत ने हस्ताक्षर कर दिया उसके बाद अमरीका ने हस्ताक्षर किया क्यों, वो आपको मैं बताता हूं। अमरीका ने क्या किया कि जैसे ही हस्ताक्षर हुआ उसके तुरंत बाद अमरीका ने अपना संविधान में परिवर्तन कर लिया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने चेंज किया। और ये चेंज किया बिल क्लिंटन ने, बिल क्लिंटन के समय में, बिल क्लिंटन ने नहीं अमेरिका की संसद ने चेंज, उन्होंने परिवर्तन क्या किया, अमेरिकी संविधान में एक प्रावधान डाल दिया जो पहले नहीं था, 1994 के पहले वो नहीं था, 1994 में उन्होंने एक प्रावधान डाल दिया कि आज के बाद, माने जिस दिन अमेरिका के संविधान में ये संशोधन हो रहा है, आज के बाद अमरीका की संसद का बनाया हुआ कोई भी कानून दुनिया की सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों के ऊपर होगा। इसको अंग्रेजी में उन्होंने कहा, ऑलवेज अमेरिकन लॉ विल प्रवेल, ऑलवेज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रवेल, ऑलवेज अमेरिकन पार्लियामेंट विल बी द सुप्रीम। अर्थात अमरीकी संसद अगर कोई कानून बनाती है और गैट करार से वो मेल नहीं खाता है, गैट करार और अमरीकी संसद के कानून में झगड़ा होता है, तो गैट करार का कानून बदल होगा, अमरीकी कानून बदल नहीं होगा, ये इसका मतलब है। ये उन्होंने परिवर्तन किया, ये परिवर्तन जब उन्होंने किया और इस परिवर्तन को बाद में उन्होंने डलवा दिया, ठीक है। और ये कैसे किया है मैं उसको समझाता हूं। गेट एग्रीमेंट में एक सेक्शन है 102, सेक्शन नंबर 102, वो क्या कहता है मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं फिर आपको उसका अर्थ भी बता दूं। अकॉर्डिंग टू द गेट सेक्शन 102, व्हेन देयर इज अ ट्रेड डिस्प्यूट अंडर गेट, The US law will proceed over GATT. ये डलवा दिया उन्होंने। अब इतने से में ही सारा खेल खत्म हो गया। फिर आगे The US law will proceed over GATT in every case, not just in some cases, not just in most cases, but in every case. अर्थात गेट करार का कानून और अमरीकी संसद के कानून का जब भी झगड़ा होगा तो अमरीकी संसद का कानून ही माना जाएगा, गेट का कानून नहीं माना जाएगा किसी भी केस में, किसी भी क्षेत्र में। ये इन्होंने कर लिया। अगर अमरीका ये पहले करता 94 के पहले तो भारत को भी मौका मिल जाता ये करने का, और भारतीय सरकार भी अपने संविधान में संशोधन कर लेती और भारत के संविधान में ये डाल दिया जाता कि भारत का संविधान और गेट करार में जब भी झगड़ा होगा देन ऑलवेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रवेल। या हम भी ये कर सकते थे, ऑलवेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रोसीड ओवर गेट इश्यूज, हम भी ये कर सकते थे, कानून के लिए कर सकते थे, संविधान के लिए कर सकते थे। अमरीका ने ये बात अंतिम समय तक छुपा के रखी, चालाकी के साथ ये सब किया कि पहले भारत सरकार ने साइन कर दिया, फिर उन्होंने अपने अमेंडमेंट कर लिया, अमेंडमेंट करने के बाद साइन किया, तो अब अमरीका के लिए परेशानी कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा परेशानियां हैं वो भारत के लिए हैं, पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए, श्रीलंका के लिए, इंडोनेशिया के लिए, मलेशिया के लिए, सऊदी अरब के लिए, संयुक्त अरब अमीरात के लिए, कुवैत के लिए, बहरीन के लिए, ओमान के लिए, ये जो छोटे छोटे देश हैं इनके लिए सबसे ज्यादा परेशानियां। छोटे देश किस मामले में, पैसे के मामले में, वैसे तो बहुत बड़े देश हैं। अगर इनके संसाधनों की बात करें तो इनके पास इतने संसाधन हैं जो दुनिया में कोई सोच नहीं सकता। अगर इनके स्किल्ड लेबर की बात करें तो इनके पास इतना स्किल्ड लेबर है जो दुनिया में कोई कल्पना नहीं कर सकता।
रिसोर्सेज की बात करें तो इतने रिसोर्सेज हैं जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। तो ये देश छोटे हैं, बस एक ही स्थिति में पूंजी कम है, सरप्लस कैपिटल नहीं है, बाकी सब कुछ सरप्लस है हमारे पास, कैपिटल सरप्लस नहीं। और यूरोप और अमेरिका में अगर कोई एक चीज है तो उनके पास सरप्लस कैपिटल है, बाकी कुछ नहीं। तो आज जो परिभाषा की जाती है दुनिया में, अमीर कौन है गरीब कौन है, तो यह कहा जाता है कि जिनके पास सरप्लस कैपिटल है वो अमीर हैं और जिनके पास सरप्लस कैपिटल नहीं है वो गरीब हैं। अगर इस परिभाषा को बदल दिया जाए और ऐसे कहा जाए कि जिनके पास संसाधन सबसे ज्यादा हैं तो वो फिर भारत है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया, मलेशिया है, और जिनके पास संसाधन बिल्कुल नहीं है वो यूरोप के देश हैं। या इस तरह से परिभाषा किया जाए कि जिन्होंने अपने सारे संसाधनों का नाश कर लिया है वो यूरोप और अमेरिका हैं, और जिनके संसाधन अभी भी बचे हुए हैं वो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश हैं। परिभाषा उनकी चल रही है दुनिया में, अमीर और गरीब होने की परिभाषा जो है वो सरप्लस कैपिटल के आधार पर है, पर कैपिटा इनकम के आधार पर है। अगर हम दूसरे तरह से परिभाषा करना शुरू करें तो हम शायद बहुत अमीर होंगे और ये अमेरिका यूरोप वाले बहुत गरीब होंगे। बायोमास के हिसाब से परिभाषा करें, हम हमारी प्रकृति में मिलने वाली चीजों के हिसाब से परिभाषा करें तो हम शायद सबसे अमीर होंगे, लेकिन परिभाषा वही चल रही। तो इन्होंने किया चालाकी से एक काम, संशोधन करने का, संशोधन करके इन्होंने गेट करार साइन कर दिया, और गेट करार साइन होने के बाद अमेरिका और यूरोप की मजे ही मजे हैं, बल्ले ही बल्ले हैं, और ये जो गरीब देश हैं ये बेचारे मरने की तैयारी में। अब इसमें मुश्किल क्या है, गेट करार के बारे में कोई और बात मैं कहूं और उसके पहले एक बात मैं आपको पढ़ के सुना दूं। इसमें सबसे पहले चैप्टर में, पहले ही पैराग्राफ में, शुरू में ही सबसे पहले एक बहुत महत्व की बात लिखी हुई है, नो सिंगल एलिमेंट ऑफ दिस ड्राफ्ट फाइनल एक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज एग्रीड टिल द टोटल पैकेज इज एग्रीड। No single element of this draft final act can be considered as agreed till the total package is agreed. अर्थात ये पूरे के पूरे समझौते में जब तक सारी शर्तों को आप एक साथ नहीं माने तब तक कोई भी एक शर्त नहीं मानी जाएगी। अर्थात ये जो लगभग 2000 से ज्यादा शर्तें इसमें हैं ये पूरी की पूरी एक साथ आपको माननी है, तभी गेट करार आपने स्वीकार किया है ऐसा माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। अब इसकी शर्तें क्या है, शर्तों के बारे में मैं आपसे थोड़ी थोड़ी बात करता हूँ। इसमें सबसे गंभीर जो मुझे तकलीफ देती हैं शर्तें वो खेती के विषय में है, हमारे देश में किसानों के लिए है। इसमें है एक एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में 50 से ज़्यादा शर्तें हैं लगभग, उनमें से एक दो शर्त की बात करूंगा क्योंकि सब नहीं कर सकता, समय बहुत चाहिए। पहली ही शर्त इसमें यह है कि भारत देश जब ही गेट करार साइन किया उस दिन के बाद जब आपका ग्रेस पीरियड समाप्त हो जाए, तब ग्रेस पीरियड समाप्त हो गया 15 दिसंबर 2004 को, माने 1 जनवरी 2005 इसके लिए शुरू का समय रखा गया, तो 1 जनवरी 2005 से ये शर्तें आपको लागू करनी है। शर्तें क्या हैं, पहली शर्त ये है, अंग्रेजी में है, बहुत लंबा है, शॉर्ट में, सरल भाषा में, हिंदी में बात करता हूं। पहली शर्त यह है कि आप 1 जनवरी 2005 के बाद भारत के किसानों को, हमारे देश के शेतकरी बांधवों को मिलने वाली सब तरह की सहायता बंद करिए। सहायता माने सरकार के द्वारा मिलने वाली सहायता, जब भी सहायता की बात की जाएगी तो समाज के द्वारा मिलने वाली सहायता नहीं, सरकार के द्वारा मिलने वाली सहायता। तो भारत सरकार से शेतकरी बांधवों को जो सहायता मिलती है 1 जनवरी 2005 के बाद उसको बंद करिए। कैसे बंद करिए, पहले साल में उसमें कटौती करिए 24%, दूसरे साल में जो बची हुई है उसमें कटौती करिए 24%, फिर तीसरे साल में 24%, ऐसे करते करते 6-7 साल में सारी सहायता बंद करिए। ये सहायता क्या है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं सब्सिडी, हिंदी में कहते हैं सहायता, सब्सिडी शायद आपको जल्दी समझ में। तो भारत के शेतकरी बांधवों को मिलने वाली सब्सिडी 1 जनवरी 2005 से खत्म करिए, ये है पहली शर्त। शर्त है खत्म करिए, और कैसे खत्म करिए, जो सहायता भारत के शेतकरी बांधवों को मिलती है उसका 24% पहले वर्ष में कम कर दीजिए, दूसरे वर्ष में जो बचा हुआ है उसका 24% कम कर दीजिए, तीसरे वर्ष में, और तो ऐसे करते करते 6-7 वर्ष में पूरा खत्म हो जाए। शेतकरी बांधवों को सहायता क्या है, हमारे देश में दो तरह की सहायता है, एक तो प्रत्यक्ष, दूसरी परोक्ष, डायरेक्ट सब्सिडी, इनडायरेक्ट सब्सिडी। वो क्या है, हमारा कोई भी शेतकरी बांधव कुछ भी बाजार में बेचने के लिए जब जाता है तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स होता है हर चीज का। जैसे कापूस का
न्यूनतम समर्थन मूल्य या न्यूनतम खरीदी मूल्य तय होता है सरकार के द्वारा। उसका अर्थ ये होता है कि इस कीमत से कम कीमत पर कापूस नहीं बिकेगी, नियमित है। बिकती है वो एक अलग बात है, कहीं 2100 है ऐसा है, लेकिन बिक रहा है 1700 रुपए क्विंटल। हो सकता है अगले साल 1500 पे भी ना बिके, 1400 पे भी ना बिके। तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया सरकार ने वो एक है, और अंतरराष्ट्रीय मूल्य एक होता है। अंतरराष्ट्रीय मूल्य के बारे में भारत में मैं थोड़ा अध्ययन करता हूं पिछले 8-10 वर्षों से, तो हमेशा मुझे ये लगता है कि अंतरराष्ट्रीय जो मूल्य है उससे भारत में थोड़ा मूल्य ज्यादा ही रहता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो अंतरराष्ट्रीय मूल्य और भारत के मार्केट का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इसके बीच का जो गैप है वही सरकार की सब्सिडी माना जाता है। अर्थात अगर कोई शेतकरी बांधव अपनी कापूस को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचे और वहां पर वो 1700 रुपए क्विंटल बिके या 1500 रुपए क्विंटल बिके, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने 2200 रुपए क्विंटल भाव तय किया है, तो प्रति क्विंटल 700 रुपए सब्सिडी माना जाएगा। ये होती है डायरेक्ट सपोर्ट, डायरेक्ट सब्सिडी। और ये सभी वस्तुओं में है, कापूस में भी है, गेहूं में भी है, चावल भी है, तुअर भी है, सभी जगह ऐसा होता है। दूसरी तरफ होता है इनडायरेक्ट सपोर्ट। इनडायरेक्ट सपोर्ट क्या होता है कि हम जब भी बाजार से रासायनिक खाद खरीदते हैं, यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट, तो इसका बाजार जो मूल्य है एक शेतकरी के लिए, उसका बाजार मूल्य है 250 से 350 रुपए का 50 किलो। और वही रासायनिक खाद यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट जब फैक्ट्री में बनती है, कारखाने में बनती है, तो उसका उत्पादन मूल्य होता है 500 रुपए का 50 किलो, माने 1000 रुपए क्विंटल के आसपास होता है एवरेज। तो 1000 रुपए क्विंटल में उत्पादन होता है और 500 रुपए क्विंटल में बाजार में वो बिकता है। तो ये जो 500 रुपए क्विंटल का घाटा है ये सरकार उठाती है, और ये शेतकरी की तरफ से सरकार देती है खाद बेचने वाली कंपनियों को। इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट सपोर्ट। इसी तरह से बिजली है। भारत के शेतकरी को बिजली थोड़ा सस्ते में है और उद्योगपति को थोड़ा ज्यादा है, घर में भी थोड़ा ज्यादा, उद्योग में भी ज्यादा, शेतकरी को थोड़ी सस्ती है। इसी तरह से बीज के क्षेत्र में होता है, बियारण में होता है, सब जगह। तो एक होता है इनडायरेक्ट सपोर्ट, एक है डायरेक्ट सपोर्ट। अब गेट करार की शर्त यह है कि 1 जनवरी 2005 के बाद आप ये सब खत्म करिए, डायरेक्ट सपोर्ट भी खत्म करिए, इनडायरेक्ट सपोर्ट भी खत्म करिए, डायरेक्ट सब्सिडी खत्म करिए, इनडायरेक्ट सब्सिडी खत्म करिए। और भारत सरकार को WTO की काउंसिल ने एक कैलकुलेशन करके अभी भेज दिया है कि एक साल के अंदर आपको कहां कहां सब्सिडी कितनी कम करनी है। तो भारत सरकार ने वो कैलकुलेशन मेरे पास अभी, मैंने देखा 2-3 दिन पहले, भारत देश के एक बहुत उच्च स्तर के अधिकारी के हाथ में वो था, बेंगलोर में मैं था, तो उसने मुझे दिखाया कि देखो राजू भाई ये कैलकुलेशन आया है। तो वो कैलकुलेशन में उन्होंने बताया है कि भारत की सरकार 1,16,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी कुल मिलाकर दे रही है अलग अलग मदों में, ये आपको कम करनी है। अब सब्सिडी कम करनी है तो इसका परिणाम क्या है? इसका सीधा परिणाम यह है, सबसे पहला परिणाम यह होगा, यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट की सब्सिडी अगर कम होती है तो उसकी कीमत बढ़ना शुरू होगी। अभी जो मैंने आपसे कहा कि 500 रुपए क्विंटल पे यूरिया बिक जाता है वो 1000 रुपए क्विंटल हो सकता है, और बाजार में जिस तरह से टैक्सेस बढ़ रहे हैं तो वो 1200 रुपए क्विंटल भी हो सकता है। कभी को डीजल पेट्रोल का भाव और बढ़ जाए तो और महंगा हो सकता है, क्योंकि यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट आप जानते हैं पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट है, तो क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ते हैं तो इनका भी कीमत बढ़ने लगता है। तो यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट महंगा होगा सब्सिडी खत्म होने से, एक। दूसरा, जब ये सब्सिडी इनडायरेक्ट खत्म होगी और डायरेक्ट भी खत्म होगी, डायरेक्ट सब्सिडी खत्म होगी तो सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर रही है अंतरराष्ट्रीय बाजार से थोड़ा ज्यादा, ये नहीं कर पाएगी। अर्थात अंतरराष्ट्रीय बाजार में जिस कीमत पर कापूस बिक रही होगी वही कीमत पर महाराष्ट्र की सरकार भी कापूस की खरीदी कर सकेगी, थोड़ा भी ज्यादा कीमत पे नहीं ले पाएगी वो। अब मान लीजिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में कापूस का भाव 1500 रुपए क्विंटल हो जाए तो अगले साल महाराष्ट्र में भी यही भाव पे सरकार को कापूस खरीदनी पड़ेगी। अगर सरकार ने नहीं खरीदा तो गेट करार का उल्लंघन किया, तो आपके खिलाफ मुकदमा चलेगा। मुकदमा चलेगा तो उसके लिए कुछ कंडीशन है कि आपको ये पेनल्टी, ये जुर्माना, ये जुर्माना। तो अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगले वर्ष से भारत की सरकार किसी भी शेतकरी बांधव को कोई मदद ज्यादा नहीं कर पाएगी।
ज्यादा कीमत पे कापूस नहीं खरीद पाएगी, ज्यादा कीमत पे धान नहीं खरीदेगी, ज्यादा कीमत पे गेहूं नहीं खरीदेगी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का भाव जो है ना उसी पे खरीदा जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार का भाव हमेशा गिरा रहता है, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा गिरा रहता है, क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिका और यूरोप की खेती उत्पन्न जितने आते हैं, एग्री प्रोडक्ट्स जितने आते हैं, उन पे सब्सिडी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उसकी कीमत हमेशा गिरी रहती है। अमेरिका में सबसे ज्यादा सब्सिडी शेतकरी बांधवों को ही मिलती है। एक वर्ष में अमेरिका के शेतकरी बांधवों को लगभग 400 अबज डॉलर की सब्सिडी है, 400 बिलियन डॉलर। और यूरोप के देशों में भी सबसे ज्यादा सब्सिडी शेतकरी बांधवों को है, जापान में भी सबसे ज्यादा सब्सिडी शेतकरी बांधवों को है। तो उनके देशों में चूंकि सब्सिडी बहुत ज्यादा है, हमारे यहां तो 4 अबज डॉलर के आसपास है, 4 बिलियन डॉलर भारत में है, अमेरिका में 400 बिलियन डॉलर है, माने हमसे 100 गुना जास्ती सब्सिडी अमेरिका में है। तो अमेरिका के शेतकरी बांधवों को चूंकि सब्सिडी बहुत ज्यादा है, तो अमेरिका के जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं, जो खेती से उत्पन्न वस्तुएं हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत सस्ती हैं। यूरोप से जो उत्पन्न वस्तुएं हैं खेती की, वो भी बहुत सस्ती हैं। तो उनकी वस्तुएं चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वैसे ही बहुत सस्ती हैं, और भारत की खेती की वस्तुओं को अगर उसी लेवल पे हम प्राइस कैलकुलेट करने लगेंगे, तो सबसे ज्यादा मार खाएगा भारत का शेतकरी, क्योंकि इसको हर चीज नीचे हो जाए। अभी तो देखिए, अभी प्रकाश बाबू ने कहा, आप भी देख रहे हैं, 1700 रुपए क्विंटल पे कापूस बिक रहा है, अगले साल आप देखेंगे 1200 रुपए क्विंटल में भी नहीं बिके, 1000 रुपए क्विंटल पे भी नहीं बिके, क्योंकि अगले वर्ष से क्या होगा, परदेशी कापूस भयंकर मात्रा में आ जाएगा आपके मार्केट में। अभी तो उसको रोका हुआ है, अगले साल से गेट करार आ जाएगा। गेट करार दो ही चीजों को हटाता है, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन हटाता है और टैरिफ बैरियर कम करता है। तो आप ना तो क्वांटिटी का रिस्ट्रिक्शन लगा पाएंगे, ना ज्यादा टैक्स लगा पाएंगे। तो अभी तो परदेशी कापूस ज्यादा नहीं बिकता भारत में, अगले साल से तो आप देखेंगे अमेरिका का कापूस आ गया, इनका कापूस आ गया, उनका कापूस आ गया, पाकिस्तान का आ गया, थाईलैंड का आ गया, फिलीपींस का आ गया, बर्मा का आ गया, सबका आ जाएगा। तब कापूस का भाव और गिरेगा, क्योंकि तब कापूस का भाव जो तय होगा वो मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी से तय होगा। अभी तय होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस मैकेनिज्म से। डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी क्या कहती है, कोई वस्तु की मांग अगर कम है और उसकी सप्लाई जास्ती है तो कीमत गिरेगी। तो कापूस अगर ज्यादा मात्रा में भारत के बाजार में आया, बाहर से भी आया और यहां से भी उत्पन्न हुआ, तो कीमत उसकी गिरने वाली है, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। अब जब कापूस की कीमत गिरेगी, तो जो शेतकरी कापूस पैदा करता है विदर्भ का, वो तो बेचारा मार खाएगा। मार कैसे खाएगा, कापूस का उत्पादन खर्च बढ़ेगा, क्योंकि यूरिया डीएपी सुपर फॉस्फेट की कीमत बढ़ी, बियारण की कीमत बढ़ी, पेस्टिसाइड की कीमत बढ़ी, बीज का भाव बढ़ा, तो उत्पादन खर्च तो बढ़ा, मार्केट में प्राइस उसको कम मिलेगा, तो दोहरा नुकसान इसको होगा। तब शेतकरी करेगा क्या, वो सोचेगा कापूस मत करो, कुछ और करो। आपने सोचो कापूस बंद करके गेहूं शुरू किया, गेहूं में भी यही पर समस्या। आप बोलो हम जवारी करेंगे, जवारी में भी यही समस्या। आप बोलो हम ये करेंगे, उसी में भी यही समस्या। और अल्टीमेटली होगा क्या कि इसमें जो बड़ा शेतकरी है वो तो किसी तरह से सस्टेन कर जाएगा, लेकिन जो छोटा शेतकरी है, 5 एकड़ में खेती करता है, 2 एकड़ में करता है, 1 एकड़ में करता है, 2-2.5 एकड़ में करता है, 3 एकड़ में, वो मारा जाएगा। उसकी कैपेसिटी नहीं है मार्केट में सस्टेन करने की। और भारत में 70% शेतकरी ऐसे ही हैं जिनका खेती बहुत छोटा है, 5 एकड़ से कम खेती वाले 70% शेतकरी है। 30% शेतकरी हैं जिनके पास 70% से ज्यादा, 5 एकड़ से ज्यादा खेती है। तो छोटे शेतकरी इसमें सबसे ज्यादा मार खाएंगे, सबसे ज्यादा तकलीफ उनको होने वाली। और वो तकलीफ में क्या होगा, फिर वो कहीं से कर्ज लेंगे, कर्ज ज्यादा से ज्यादा होता जाएगा, फिर कर्ज का ब्याज नहीं चुका पाएंगे तो आत्महत्या करेंगे। तो अभी आप रोज अखबार में दुखद समाचार पढ़ते हैं कि आज ये शेतकरी ने आत्महत्या की, किसी ने परिवार सहित, अगले वर्ष से ये ऐसे समाचार आपको और ज्यादा पढ़ने को मिलेंगे। भारत सरकार कहती है कि हर साल लगभग 54,000 शेतकरी देश में आत्महत्या करते हैं, पूरे देश में, सरकार के आंकड़े। लेकिन ये आंकड़े वो हैं जब केस रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट ही नहीं होता है तो पता नहीं कितने आत्महत्या करते हैं, माहिती नहीं। अगले वर्ष से इनकी संख्या आप देखेंगे लगातार बढ़ेगी, आंध्रा में भी बढ़ेगी, महाराष्ट्र में भी बढ़ेगी, गुजरात में भी बढ़ेगी, उड़ीसा में भी बढ़ेगी, सब जगह बढ़ेगी। क्योंकि शेतकरी गरीब हो सकता है, स्वाभिमानी बहुत होता है, थोड़ा भी स्वाभिमान को ठेस लगे वो आत्महत्या करना पसंद करता है। व्यापारी हिंदुस्तान का दूसरे तरह का है, व्यापारी का स्वाभिमान वो गिरवी रख के व्यापार करता है। व्यापारी इस देश में आत्महत्या नहीं करता है, सरकारी अधिकारी भी आत्महत्या नहीं करता, पुढ़ारी तो कभी नहीं करता है।
आत्महत्या शेतकरी ही करता है, क्योंकि उसका गरीबी तो है लेकिन स्वाभिमान उसका बहुत है। थोड़ा भी स्वाभिमान पे ठेस लगे, इतना ज्यादा स्वाभिमानी है शेतकरी, उसके घर के सामने कोई बैंक वाला आ गया वसूली करने के लिए, यही उसको लगता है बहुत बड़ा अपमान हो गया। अगले दिन सवेरे तेल पिएगा मर जाएगा, या जंतुनाशक पिएगा मर जाएगा, या पुलिस आ गई उसके दरवाजे के सामने कुछ इस तरह का करने के लिए, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है, क्योंकि उसको स्वाभिमान सबसे ज्यादा प्रिय है। गरीबी में रहता है लेकिन स्वाभिमान उसने नहीं छोड़ा है। भारत का जो समाज ने स्वाभिमान छोड़ दिया है वो इसमें एडजस्ट कर लेगा, WTO में उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, चलो ऐसे नहीं तो ऐसे करो, कैसे एडजस्ट कर लेगा। जो व्यापारी अभी भारत के शेतकरी का कापूस खरीद रहा है वो परदेशी कापूस खरीदेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो जिंदा रहेगा। उसको अभी भारत के शेतकरी की कापूस नहीं मिलेगी अगले साल से, वो परदेशी कापूस खरीद के बेचेगा। वो भारत के शेतकरी का गेहूं नहीं खरीदेगा, परदेशी गेहूं खरीदेगा। वो भारत के शेतकरी का चावल नहीं खरीदेगा, परदेशी चावल खरीदेगा। तो व्यापारी तो इसमें एडजस्ट कर लेगा, अधिकारी भी एडजस्ट कर लेगा, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी वो स्वदेशी कापूस का कापड़ पहनता, फिर परदेशी का पहनेगा, वो तो कहेगा और अच्छा है, मुझको तो परदेशी कॉटन का कापूस का कापड़ मिलता है तो और अच्छा है। वो परदेशी चावल खाएगा और अच्छा महसूस करेगा, परदेशी गेहूं खाएगा और अच्छा महसूस करेगा। तो भारत का अधिकारी को भी तकलीफ नहीं है, व्यापारी को भी ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी, आएगी वो किसी दूसरे लेवल पे आएगी, यहां नहीं आएगी। और ज्यादा से ज्यादा तकलीफ जो आने वाली है वो शेतकरी बांधव के लिए, कि ये एक ही शर्त उसको खत्म कर देगी। और भारत के शेतकरी की ताकत जो है इस समय बिखरी हुई है, शेतकरी बांधवों का संगठन टूट गया है। पहले शेतकरी बांधवों का संगठन होता था महाराष्ट्र में, लेकिन अभी वो खत्म हो गया। वो संगठन के कुछ लोग एक पक्ष में चले गए, कुछ दूसरे पक्ष में चले गए, कुछ तीसरे पक्ष में, अब संगठन कहीं नहीं है। उत्तर भारत में भी एक अच्छा शेतकरी संगठन होता था, वो भी धीरे धीरे टूट गया। तो सबसे ज्यादा मार जिस संगठन को, जिस वर्ग को होने वाली है, वो असंगठित है, इसलिए कोई बड़ा विरोध करने की स्थिति नहीं है, और ये तकलीफ आके आने वाली है। ये एक शर्त है गैट करार की, शेतकरी बांधवों के लिए ऐसी 56 शर्तें हैं। दूसरी में शर्त ये है कि भारत में खेती में जो भी उत्पन्न होता है, गेहूं, चावल, चना, कपास, मटर, चीनी वगैरह वगैरह, ये सब कुछ परदेश से कंपलसरी इंपोर्ट करना पड़ेगा, आप उसको रोक नहीं सकते। जैसे हम भारत में मान लीजिए एक वर्ष में 20 करोड़ टन अनाज पैदा करते हैं, तो इसका कुछ हिस्सा परदेश से खरीदना ही पड़ेगा, आपको जरूरत नहीं है फिर भी खरीदना पड़ेगा। कितना खरीदना पड़ेगा, तो इसमें कहा है कि जो आपका मिनिमम कंजम्पशन बेस है उसका 8%, माने हम भारत के लोग एक वर्ष में जितना भी खेती उत्पन्न का वापर करते हैं उसका 8% परदेश से खरीदना पड़ेगा। इसको सरल भाषा में मैं समझाता हूं, अगर सब भारतवासी मिलकर एक वर्ष में 4 करोड़ टन गेहूं खाते हैं तो इसका 8% परदेश से खरीदना पड़ेगा। 1 करोड़ टन का 8%, 8 लाख टन, 4 करोड़ टन का 32 लाख टन गेहूं हर साल परदेश से खरीदना पड़ेगा, जबरदस्ती, जरूरत नहीं है फिर भी खरीदो। और फिर पूछो WTO के अधिकारियों से कि क्या करें उसको खरीद के, तो कहते हैं दरिया में फेंको या चूहे को खिलाओ, हमें मतलब नहीं, खरीदो, जबरदस्ती खरीदो, जरूरत नहीं फिर भी खरीदो। ये सेकंड कंडीशन है, इसको मार्केट एक्सेस के नाम से कहा गया। इसमें जबरदस्ती इतना माल खरीदो, गेहूं खरीदो, चावल खरीदो, कापूस खरीदो, संतरा खरीदो, अमरूद खरीदो, केला खरीदो, भाजीपाला खरीदो, जो कुछ भी भारत में होता वो सब परदेश से खरीदो, मिनिमम कंजम्पशन का 8%। तो हर चीज बाहर से आएगी ही आएगी, और यहां भी उत्पन्न होती है तो मार्केट में कीमत गिरेगी, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान शेतकरी को होगा। जो खाने वाले लोग हैं वो सोचेंगे हमको फायदा होगा, फायदा कैसे होगा, वो सोचेगा अभी चीज थोड़ी सस्ती हो जाएगी। लेकिन जो खाने वाला है उसको मालूम नहीं है कि एक बार फायदा हुआ, दो बार फायदा हुआ, फिर तुम्हारे पास कुछ खरीदने के लिए पैसा ही नहीं होगा तो खरीदोगे क्या। एक बार आपने सस्ता खरीदा, आपकी खेती खत्म हो गई, फिर आपके पास कुछ है ही नहीं खरीदने के लिए, फिर क्या खरीदेंगे। वो उतनी दूर का उनको दिखाई नहीं देता है, तात्कालिक दिखाई देता है कि सस्ता होगा, तो इसलिए मजदूर संगठन कहते हैं जी सस्ता होगा इसलिए आने दो परदेशी माल, सब कुछ भारत। लेकिन ये जो शेतकरी की बात अगर कोई सोचे तो वो सोचता नहीं कि क्या होगा इससे। तो ये जो कंपलसरी मार्केट एक्सेस प्रोविजन है, जबरदस्ती माल खरीदना पड़ेगा आपको, जरूरत नहीं है फिर भी, ये और भी तकलीफ देने वाला है।
ऐसे ही इसमें तीसरी कंडीशन है कि भारत की सरकार, कभी क्या होता है ना, अनावृष्टि होती है, कभी अतिवृष्टि होती है भारत में, तो अनावृष्टि और अतिवृष्टि के समय भारत की सरकार बहुत सारी मदद घोषित करती है। वो मिलती विलती नहीं है, वो एक अलग बात है, घोषित होती है। जैसे कभी शेतकरी बांधवों का ब्याज माफ किया जाए, या उनका कर्ज माफ किया जाए, या उनको कुछ सहायता दी जाए। अभी गेट करार लागू होने के बाद ये भी बंद हो जाएगा। अगर आपके यहाँ अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, तो इसका सर्टिफिकेट पहले WTO से लीजिए। अगर WTO हाँ कहता है तो आप सहायता कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। और इसकी सहायता कब की जा सकती है? मान लो हम महाराष्ट्र में घोषित करें कि अनावृष्टि हो गई, अनावृष्टि माने अकाल हो गया, सूखा हो गया। अतिवृष्टि माने बारिश ज्यादा हो गई, पाउस ज्यादा। तो मान लीजिए अकाल हो गया, सूखा हो गया, अब महाराष्ट्र सरकार को कुछ घोषणा करनी है शेतकरी बांधवों के लिए, तो WTO से एक कमेटी आएगी, वहां से कुछ लोग आएंगे, वो महाराष्ट्र का दौरा करेंगे, दौरा करके रिपोर्ट WTO में जाएगा। वो हाँ कहेंगे तो आप घोषित करिए, ना कहेंगे तो नहीं कर सकते। और उनकी घोषणा का आधार क्या है? वो कहते हैं कि जी महाराष्ट्र के सभी पूरे राज्य में सूखा है, तो मिनिमम 50% जिलों में होना चाहिए, तब वो हाँ कहने की स्थिति में होंगे, नहीं है तो नहीं कहेंगे, तो आप घोषित नहीं कर सकते। माने आपको पैसा देना है, आपका बजट है, लेकिन उसमें दखलंदाजी उनकी है जो WTO में बैठे हैं। अभी मुझे महाराष्ट्र में घोषित करना है एक चीफ मिनिस्टर के नाते या प्राइम मिनिस्टर के नाते, तो मैं नहीं कर सकता जब तक WTO का कंसेंट नहीं है, उनकी अनुमति नहीं है। इतनी गुलामी इसमें है। माने आपकी संसद अगर चाहे तो नहीं घोषित कर सकती, उनको पहले पूछो तब आप कह सकते हो, और वो हाँ कहे तो कहो, नहीं तो नहीं। ऐसी ऐसी इसमें 56 शर्तें हैं शेतकरी बांधवों के लिए। और सबसे ज्यादा दुखद यही हिस्सा है WTO का, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान भारत को होने जा रहा है। और मुझे दुख इस बात का है कि हमारी संसद में इस पर कोई बहस नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। 1 जनवरी से ये घोषणा हो गई है कि लागू हो जाएगा, और अभी पिछला संसद का सत्र जो बीता है आप देखा, उसमें क्या क्या बहस हुई है। ज्यादातर बहस हुई रामविलास पासवान और लालू प्रसाद यादव में। रामविलास पासवान ने लालू यादव को चोर कहा, लालू यादव ने रामविलास पासवान को चोर कहा, दो मंत्री एक दूसरे को चोर कह रहे हैं, और कह रहे हैं इसने 800 कोटी इकट्ठा करके स्विस बैंक में रख लिया, वो कहता है इसने 980 कोटी खा के स्विस बैंक में रख लिया। दोनों एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं, उसी पे संसद में बहस हो रही है, बहस हो रही है। और इतना तकलीफ वाला WTO लागू होने जा रहा है 1 जनवरी से, उस पर संसद में कोई बात नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, कोई बहस नहीं है। हमारी संसद की स्थिति इतनी खराब है। हमने संसद इसके लिए नहीं बनाई है कि दो मंत्री व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करें, इसके लिए तो गली मोहल्ले चौराहे काफी हैं। लेकिन संसद को भी इन्होंने गली मोहल्ले चौराहों से ज्यादा बदतर बना दिया है हमारे देश के पुढ़ारियों ने, और इनको कोई शर्म भी नहीं है। उनको ये भी शर्म नहीं है कि सारा देश TV पर देख रहा है। तो अभी वो बहस हो रही है, अभी आगे क्या बहस हो रही है। लालू यादव ने रुपए दे दिए हैं तो वहां बहस शुरू हो गई, जॉर्ज फर्नांडीज ने भी दे दिए, वो बहस शुरू हो गई। अखबारों के हेडलाइंस ये हैं, अखबारों के टाइटल ये हैं, अखबार वालों को भी उसी में मजा आता है जो संसद में हो रहा है या संसद के आजू बाजू में हो रहा है। देश मरने जा रहा है, अखबारों को, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, डेक्कन हेराल्ड, ये अंग्रेजी अखबार वालों को तो कुछ पढ़ा ही नहीं, वो तो इस तरह की बातों पर कोई ध्यान ही नहीं देते। थोड़ा बहुत जो भाषाई अखबार हैं, मराठी अखबार हैं, गुजराती अखबार हैं, तमिल हैं, तेलुगु हैं, कन्नड़ हैं, मलयालम हैं, उनमें थोड़ा बहुत ये सब आता भी रहता है जो गंभीर प्रश्न है। भारत के जिनको राष्ट्रीय अखबार कहा जाता है उनमें तो कुछ है ही नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन उठा के देखो, इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन उठा के देखो, डेक्कन हेराल्ड की हेडलाइन उठा के देखो आप। अंग्रेजी अखबार तो ऐसा लगता है कि भारत से उनका कुछ लेना देना ही नहीं। भारत के पुढ़ारियों की छोटी छोटी बातें फ्रंट पेज पे बॉक्स में लगा के छापेंगे, और इतना सीरियस इशू है इस पे बात ही नहीं करते, बहस ही नहीं करते। तो क्या है कि भारत का जो गवर्निंग क्लास है, जो देश चलाता, सरकार चलाता, वो तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता, वो तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता, वो तो ये डेक्कन हेराल्ड पढ़ता, वो तो ये नहीं पढ़ता हमारा जो स्थानीय अखबार है। गवर्निंग क्लास को लगता ही नहीं कि ये कोई गंभीर बात है, तो वो भी मजे में है, ये भी मजे में। तो संसद में कोई बहस नहीं, मीडिया में चर्चा नहीं, और जितना करोड़ों रुपए खर्चा करके टेलीविजन चैनल चल रहे हैं इस देश में, Star TV है, GTV है, CNN है, ATN है, प्राइम स्टार है, प्राइम स्पोर्ट्स है, उस पर भी ये कोई चर्चा नहीं है।
वहां घंटों घंटों दिखाया जा रहा है, सास भी कभी बहू थी, घर घर की कहानी, तेरी मेरी कहानी, उसकी कहानी, इसकी कहानी, और सब कहानियों का एक ही मतलब है, इसका पति उसकी पत्नी के साथ भाग गया, उसकी पत्नी इसके पति के साथ भाग लिया, उसकी पत्नी इसके पति को छीन रही है, इसका पति उसकी पत्नी को छीन रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, वो सभी कहानियों का थीम है। देखते रहिए, उसमें समय बर्बाद करते रहिए, ना गेट करार पे कोई चर्चा, ना डंकल पे कोई चर्चा, सबसे गंभीर विषय इस पे। और हमारे जैसे लोग उनको बोलते हैं कि भाई इस पे भी कुछ समय दे दो, तुम्हारे पास 24 घंटे के टीवी चैनल हैं, आधा घंटे एक घंटे, वो कहते हैं जी इसको कौन सुनेगा, हमारी सास बहू है, सास बहू की कहानी है, उसको देखने वाले करोड़ों हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे कौन सुनेगा, इसलिए इनके लिए कोई महत्व नहीं है, स्पेस भी नहीं। बेचारे लोकल टीवी चैनल वाले कुछ हैं जो कभी कभी की वार्ता दिखा देते हैं, भेंट वार्ता दिखा देते हैं या कुछ कर देते हैं, लेकिन नेशनल टीवी चैनल में तो कोई स्पेस नहीं है इनके लिए। जो ओपिनियन बना सकता है नेशनल टीवी चैनल और जो अखबार ओपिनियन बना सकते हैं, बड़े लीडिंग न्यूज़पेपर जो कहे जाते हैं इस देश के, उनमें ये विषय नहीं है और हमारी संसद में भी ये विषय नहीं है। तो अब ये विषय है हिंदुस्तान के साधारण लोगों के बीच में, इसलिए हम आपके पास आए हैं ये बात करने के। और इतनी बात तो मैंने कही, ये WTO के एग्रीकल्चरल सेक्शन की, जिसमें 56 शर्तें हैं, मैंने 3 बताई हैं, ऐसी हर एक विषय में है। एक विषय है एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज, उसमें पहली ही शर्त यह है कि 1 जनवरी 2005 के बाद दुनिया की कोई भी सर्विस कंपनी के लिए आप दरवाजे खोल दीजिए, कोई भी कंपनी भारत में आके सर्विस प्रोवाइड करे, आप उसको ना नहीं कहिए। अब सर्विसेज में क्या आता है, प्रोडक्शन को छोड़कर जो कुछ भी है वो सब सर्विसेज में आता है, उत्पादन को छोड़कर, आप जहां जहां उत्पादन करते हैं उस हिस्से को छोड़कर दुनिया का सब काम सर्विसेज में आता है, अर्थात स्कूल चलते हैं, कॉलेजेस चलते हैं, यूनिवर्सिटी चलती है, ये सब सर्विसेज में आता है, हॉस्पिटल चलते हैं, ये सब सर्विसेज में आता है, गली नालियों की सफाई की जाती है, ये सब सर्विसेज में आता है, होटल चलते हैं, ये सब सर्विसेज में आता है, हमारे देश में एडवोकेट्स हैं वो सभी सर्विसेज में माने जाते हैं, ये तंबू कनात पंडाल लगाने वाले सब सर्विसेज में आते हैं, साउंड सिस्टम वाले सर्विसेज में सब कुछ आता है उत्पादन को छोड़कर। तो शर्त क्या है WTO की, पहली ही शर्त यह है कि 1 जनवरी 2005 के बाद भारत में कोई भी विदेशी कंपनी आकर सर्विस देना चाहे तो आप उसको रोक नहीं सकते, उसके लिए दरवाजे खोलिए। अर्थात 1 जनवरी 2005 के बाद अमेरिका की कोई कंपनी आके भारत में रेस्टोरेंट खोलना चाहे, होटल खोलना चाहे, ढाबे खोलना चाहे, आप उसको परमिशन दीजिए, आप उसे रोक नहीं सकते। 1 जनवरी 2005 के बाद अमेरिका की कोई कंपनी आके डिपार्टमेंटल स्टोर खोलना चाहे, उसको परमिशन दीजिए, आप रोक नहीं सकते। 1 जनवरी 2005 के बाद अमेरिका की कोई भी कंपनी आके भारत में कॉलेजेस खोलना चाहे, स्कूल खोलना चाहे, इंस्टीट्यूशंस खोलना चाहे, यूनिवर्सिटी खोलना चाहे, उसको खुली छूट दीजिए, आप उसे रोक नहीं सकते। हर क्षेत्र में अगर आप उनको खुली छूट देंगे तो होने वाला क्या है, एक छोटा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए अमेरिका की एक कंपनी आती है, उसका नाम है वॉलमार्ट, बहुत बड़ी कंपनी है, दुकान चलाने वाली अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है, डिपार्टमेंटल स्टोर सबसे ज्यादा इसी कंपनी के हाथ में है। और एक और कंपनी है वो यूरोप की है, फ्रांस की है, उसका नाम है केयरफोर। ये वॉलमार्ट और केयरफोर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन दोनों का धंधा एक ही है, हर जगह जाके दुकानें खोलना। अगर ये केयरफोर और वॉलमार्ट अगले साल से भारत में आ गए और इन्होंने हर शहर में अपनी दो चार दुकानें खोलना शुरू कर दिया और इन दुकानों पर उन्होंने आधे आधे कपड़े पहने हुए लड़कियों को बिठाना शुरू कर दिया, स्कर्ट पहने हुए लड़कियां और टॉपलेस पहने हुए लड़कियां उनके काउंटर पे बैठी हुई हैं, दुकानें खुली हुई हैं, और हर दुकान से उन्होंने एक के साथ एक फ्री, दो के साथ एक फ्री, तीन के साथ एक फ्री देना शुरू कर दिया, फिर क्या होगा, एक ही परिणाम होगा कि भारत का एक क्लास है जो एफ्लुएंट क्लास है, जिसके पास थोड़ा पैसा ज्यादा है, वो सबसे पहले इन दुकानों का खरीददार बनेगा, सबसे ज्यादा माल खरीदी करने इन दुकानों पे जाएगा। तो धीरे धीरे भारत की छोटी दुकानों में जो माल बिक रहा है वो बिकना कम होगा, बड़ी दुकानों से माल बिकेगा, इनकी दुकानों से। अब इन दुकानों से माल बिकना शुरू हुआ तो आपका प्रॉफिट उन दुकानों के पास, वो दुकानें हैं केयरफोर और वॉलमार्ट की, वॉलमार्ट और केयरफोर वाले जो भी बिजनेस करेंगे प्रॉफिट अमेरिका लेके जाएंगे। तो दो परिणाम होंगे, एक तो यहां से पैसा लेके जाएंगे, दूसरा आपकी छोटी छोटी सब दुकानें वो बंद करा देंगे। और वो बंद कैसे हो जाएंगी,
अमरावती का एक उदाहरण देता हूं, केयर फोर का एक डिपार्टमेंटल स्टोर अमरावती में खुल जाए, वॉलमार्ट का एक डिपार्टमेंटल स्टोर अमरावती में खुल जाए, तो अमरावती के लोगों की लाइन लग जाएगी वहां जाके माल खरीदने की, क्योंकि हर चीज इंपोर्टेड मिलेगी और इंपोर्टेड माल को चाहने वाला एक क्लास तो है ही इस देश में, जिसके पास थोड़ा सा पैसा है, ब्लैक मनी है, सब कुछ है, वो जाके लाइन लगा के जब खरीदना शुरू करेगा तो साधारण आदमी को लगेगा यार यहां से माल खरीदना स्टेटस सिंबल है, तो हम भी खरीदें, तो वो शुरू होगा और एक ऐसी घमासान लड़ाई शुरू होगी जो अमरावती के हर छोटी छोटी दुकानों को बंद करा देगी, तो छोटे दुकानदार खत्म। इसी तरह से मान लीजिए अमरावती में कोई अमेरिकन कंपनी आके एक होटल बना दे, एक रेस्टोरेंट बना दे और उस रेस्टोरेंट के माध्यम से वो सर्विस देना शुरू करे, तो अमरावती के रेस्टोरेंट चलाने वालों के लिए तकलीफ। इसी तरह से मान लीजिए उन्होंने आके यहां पर कोई यूनिवर्सिटी खोल दिया, अमेरिका की मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी का एक ब्रांच अमरावती में खुल गया और उन्होंने कहा जी ₹1,000 फीस जमा करो और आप डिग्री लो, चालू हो गई उनकी यूनिवर्सिटी, तो यहां तो सब जो तपोवन यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं वो सब वहां पहुंच जाएंगे और उनकी यूनिवर्सिटी में तो क्या पैसा जमा करो डिग्री लो, तो यहां एक क्लास तो है ही जिसको डिग्री चाहिए, ज्ञान से उसको कोई लेना देना नहीं क्योंकि यहां ज्ञान का महत्व ही नहीं है, डिग्री का महत्व है। हिंदुस्तान में अंग्रेजों के आने से जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम हुआ है कि इस देश में ज्ञान का महत्व खत्म हो गया, डिग्री का महत्व हो गया इस देश में, और वो डिग्री बांटेंगे यहां आके और वो पैसे से मिल जाएगी। और अमेरिकन और यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, कभी भी कोई फेल नहीं होता वहां, कोई फेल नहीं होता, क्योंकि उनका जो सिस्टम है एजुकेशन का वो इस तरह से बनाया हुआ है कि उसमें कोई फेल ही नहीं होता, माने रद्दी से रद्दी वहां पास हो जाता है। हिंदुस्तान के बारे में आप जानते हैं, जो लड़के लड़कियां भारत के किसी स्कूल में पास नहीं हो पाते वो सब अमेरिका से बड़ी बड़ी डिग्री लेके आ जाते हैं, आपको मालूम है ये सब, और अमेरिका से भी ज्यादा रद्दी डिग्रियां रूस में मिलती हैं। रूस की तो डिग्रियों का ये आलम है कि दुनिया का कोई भी सेंसिटिव देश रूस का MBBS MD किए हुए डॉक्टर को परमिशन देने को तैयार नहीं हॉस्पिटल खोलने के लिए, भारत में भी नहीं है। रशिया से आप MBBS MD करके आइए, जब तक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षा पास नहीं करेंगे तब तक आप यहां प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि वहां कुछ पढ़ाते ही नहीं है, और वहां तो यूनिवर्सिटीज चलती हैं दुकानों की तरह से, वो तो बिजनेस है, उसमें ज्ञान देना है ऐसा कुछ मतलब नहीं, वो बिजनेस है, बिजनेस का पार्ट है, जैसे होटल चलता वैसे यूनिवर्सिटी चलते हैं यूरोप और अमेरिका में। और आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा, यूरोपियन और अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं यूरोप और अमेरिका के जो नेटिव सिटीजन्स हैं उनका IQ दुनिया में सबसे कम है। अमेरिकन स्टूडेंट्स का IQ पूरे दुनिया में सबसे कम है, इंटेलिजेंसी क्वेस्ट जिसको कहते हैं, सामान्य ज्ञान में भी वो दुनिया में सबसे पीछे हैं। यूरोपियंस लोग और अमेरिकन लोग सामान्य ज्ञान में बहुत पीछे हैं, IQ उनका बहुत कम है, इसलिए अमेरिकन और यूरोपियन यूनिवर्सिटी में जितने टॉपर्स होते हैं वो सभी एशियन होते हैं, भारतीय होते हैं, चाइनीज होते हैं, जापानीज होते हैं, उनके अपने नहीं है क्योंकि IQ बहुत कम है। IQ कम क्यों है, क्योंकि एजुकेशन का सिस्टम ऐसा है जिसमें IQ ज्यादा डेवलप नहीं होता, तो लोएस्ट IQ पे वो काम करने वाले यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं वो सब यहां आ जाएंगे, तो यहां का जो भी छोटा मोटा कम स्टैंडर्ड वाला भी एजुकेशन है उसको खत्म कर देंगे, क्योंकि कंपटीशन आपको उनके साथ करना है। तो यहां क्या होगा, मान लीजिए उनकी यूनिवर्सिटी हुई तपोवन भी यूनिवर्सिटी, अब अमेरिकन और तपोवन यूनिवर्सिटी में कंपटीशन शुरू होगा, वो कहेंगे जी हम इतने कोर्सेज पढ़ाएंगे, 3 कोर्स पढ़ाएंगे, 1 कोर्स फ्री, आइए हमारे यहां, हाँ MBA पढ़ाएंगे, MBBS फ्री ले जाइए हमारे पास, आइए हम आपको एडमिशन दें, हाँ ऐसे होता है यूरोप और अमेरिका में, ऐसे होता है। MBA करिए DBA फ्री ले जाइए, MBA करिए BBA फ्री ले जाइए, MBA करिए ये फ्री ले जाइए, वो फ्री ले जाइए, वो चालू कर देंगे। तपोवन यूनिवर्सिटी को फिर यही करना पड़ेगा कि BCom करिए तो इंटर फ्री, या इंटर करिए तो ये फ्री, ये सब चक्कर जो शुरू होगा सत्यानाश कर देगा इस देश का। स्टूडेंट्स का लेवल हिंदुस्तान में भी IQ में इतना नीचे हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते, हो सकता है कि बहुत अच्छी डिग्री लिया हुआ विद्यार्थी एक चिट्ठी ना लिख पाए, शुद्ध मराठी का एक वाक्य ना बोल पाए, शुद्ध मराठी में कुछ लिख ना पाए। ऐसे ही दूसरे सर्विसेज में जब वो आना शुरू होंगे तकलीफ कर देंगे इस देश को। मुझे तो कभी कभी डर लगता है ये यूरोपियन और अमेरिकन को हिंदुस्तान की बहुत सारी कमजोरियां मालूम है। आप कल्पना करो कि अमरीकियों ने हिंदुस्तान में आके मंदिर खोल दिए कुछ, क्योंकि उनको मालूम है बहुत चढ़ावा आता है भारत,
मुझे सबसे बड़ा डर इस सेक्टर पे लग रहा है, क्योंकि सर्विसेज में ये भी आते हैं, मंदिर भी सब सर्विसेज में आते हैं। तो अभी तो उन्होंने चर्च खोले हुए हैं, तो चर्च में कुछ लोग जाते हैं कुछ नहीं जाते हैं। अगर मान लीजिए उन्होंने हनुमान जी का एक मंदिर बना दिया और किसी अमेरिकन कंपनी ने उसको बना दिया, तो भारतवासी कहेंगे देखो कितने राम भक्त हैं, ये हनुमान जी का मंदिर बना दिया, चलो। तो भारत वाले सब जा जाके अपनी कमाई भी उसमें डालेंगे, वो पैसा सीधे अमेरिका जाएगा, क्योंकि उनको मालूम है भारत में सबसे आसान है, एक हनुमान जी का मंदिर बना दो, संतोषी माता का एक मंदिर बना दो, दुर्गा माता का एक मंदिर बना दो, जितना चाहो उतना चढ़ावा ले लो, गरीब से गरीब गांव में भी ले लो, जो गांव भुखमरी का शिकार है वो भी मंदिर में 10-20 लाख रुपए दान कर देता है। अगर वो इस सेक्टर में घुसे और यहां उन्होंने एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, तो आप सोचिए फिर झगड़ा होगा। हमारे जैसे आदमी जाएंगे कहेंगे भैया स्वदेशी मंदिर में जाओ, और उन्होंने विदेशी मंदिरों की लाइन खड़ी कर दी। और ये कोई मैं गलत नहीं कह रहा हूं, ये ठोस आधार पर, आपको मालूम है एक अमेरिकन संस्था भारत में काम करती है, इस्कॉन है कि नहीं, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। इस्कॉन नाम की एक अमेरिकन संस्था भारत में काम करती है, उसने कृष्ण भगवान के मंदिर खोले हुए हैं, और वो मंदिर उनके कमाई के सबसे बड़े सोर्स हैं, क्योंकि इन मंदिरों पर इनकम टैक्स भी नहीं है, और सारा का सारा प्रॉफिट इन मंदिरों के माध्यम से अमेरिका ट्रांसफर होता है। आपको मालूम इस्कॉन मंदिर में, बेंगलोर का इस्कॉन मंदिर इतना प्रॉफिट अमेरिका भेजता है जितना अमेरिका का कॉलगेट कंपनी नहीं भेज पाता एक साल में। अमेरिकन कॉलगेट कंपनी भारत में जितना कॉलगेट बिक्री करके नेट प्रॉफिट अमेरिका भेजता है, उससे 3 गुना ज्यादा अकेले बेंगलोर का इस्कॉन मंदिर भारत का पैसा अमेरिका ट्रांसफर कर देता है। और बेंगलोर से भी बड़ा इस्कॉन मंदिर दिल्ली में है, और उससे भी बड़ा इस्कॉन मंदिर मुंबई में है, और उससे भी बड़ा इस्कॉन मंदिर मथुरा में हो गया है, भगवान कृष्ण की छाती पर वहीं पे, और धुआंधार चढ़ावा आता है उसमें, और वो चढ़ावा करने वाले हम हैं, हमारे ही भाई बहन हैं जो उस इस्कॉन मंदिर में मेंबर है, और उनको वहां भक्ति समझ में आती है, उनको राम हरे कृष्ण हरे बोलना भी नहीं आता, हमारे भारतवासियों को वहां बहुत भक्ति दिखाई देती, देखो कितने भक्त हैं, यूरोप से आए हैं, गोरी चमड़ी वाले हैं, एसी में रहते हैं, देखो फिर भी राम का नाम ले रहे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं, हम तो सरल हृदय के, तरल हृदय के, कभी भी पिघल जाए, किसी को भी अपना मान लें, तो हम तो चालू हो गए, हमने इनको मंदिर भी बना के दे दिया, उनको चढ़ावा भी दे रहे हैं। अभी तो ये इस्कॉन मंदिर रिस्ट्रिक्टेड है, नेक्स्ट ईयर से ये ओपन हो जाएगा पूरा मार्केट, इसमें अमेरिकन्स और यूरोपियंस घुस गए तो क्या करेंगे, लाखों करोड़ों रुपए ले जाएंगे आपके देश को, कुछ नहीं कर सकते, और इनकम टैक्स भी फ्री है टोटल, वहां पे टैक्स भी नहीं देना है उनको। तो सर्विसेज का सेक्टर इतना बड़ा है, इतना वास्ट है, जिसमें कोई भी अमेरिकन यूरोपियन घुस सकता है, कुछ भी करके यहां से पैसा कमा के ले जा सकता है, छोटी छोटी बातों में वो पैसा कमाएंगे आपके देश में आके। जो बातें आपके लिए सहज हैं, स्वाभाविक हैं, आपको सुनकर एक कल्पना नहीं हो सकती, बेंगलोर में एक फॉरेन कंपनी आई है, उसने एक धंधा शुरू किया है कि भारत के जो लोग अपना टेलीफोन बिल जमा नहीं करा सकते, बिजली का बिल नहीं जमा करा सकते, या अपने ग्रोसरी शॉप में जाके सामान नहीं खरीद सकते, उन सब लोगों के लिए बिल जमा कराने का, ग्रोसरी सामान खरीदने का धंधा एक विदेशी कंपनी ने आके बेंगलोर में शुरू किया है। आप जानते हैं बेंगलोर में कुछ ऐसे भारतवासी रहते हैं जो पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, जिनके पास इतना भी समय नहीं है कि टेलीफोन का बिल जमा करा सकें या तो उनके बिजली का बिल जमा करा सकें। तो टेलीफोन और बिजली का बिल जमा कराने के धंधे में एक विदेशी कंपनी आ गई है बेंगलोर में। वो कहती है हमको आप सर्विस दीजिए, मैंने इतना पैसा दीजिए, हम आपका टेलीफोन बिल जमा कराएंगे, बिजली का बिल जमा कराएंगे, आपका टिकट भी ला के देंगे, रेल का टिकट ला के देंगे, बस का टिकट ला के देंगे, ये सब करके देंगे। लग गए हैं वो इस धंधे पे, और बेंगलोर में बहुत बिजनेस मिल गया उनको, और उसी बिजनेस से पैसा कमा के ले जाएंगे। माने अल्टीमेटली आपके समाज की जो पूंजी है, आपके समाज का पैसा है जो परदेश जाने वाला है, अल्टीमेटली होना है। इसी तरह से और कल्पना करिए, विदेशी बैंक आ रहे हैं, उन्होंने शाखाएं खोलना शुरू किया। मैं आपको एक ही विदेशी बैंक का उदाहरण देता हूं, उसका नाम है HDFC। 1992-93 में ये बैंक जब भारत आया था तो इसकी एक शाखा खुली थी, एक, सिर्फ एक ब्रांच थी, और उसमें डिपॉजिट जीरो था, एक ब्रांच थी, डिपॉजिट उसमें जीरो था, एचडीएफसी भारत आया था तब।
आज एचडीएफसी को भारत में व्यापार करते हुए 10 साल हो गया है। एचडीएफसी की 10 साल में 243 ब्रांच भारत में खुल चुकी हैं और उनके पास 70,000 करोड़ का डिपॉजिट है। जीरो से शुरू किया था, 70,000 करोड़ का डिपॉजिट उन्होंने इस देश के लोगों से इकट्ठा कर लिया है। अगले साल से WTO की कंडीशंस आने के बाद HDFC को और खुला मार्केट मिलेगा और वो 1,000 शाखाएं बनाएंगे और हो सकता है 2-3 लाख करोड़ का डिपॉजिट करेंगे। और इतना डिपॉजिट करके किसी दिन वो घोटाला करके भाग जाएं तो भारत का फाइनेंस मिनिस्टर भी कुछ नहीं कर सकता, और ऐसा हुआ है इस देश में। आपको मालूम है 93-94 में सिटी बैंक स्कैम हुआ था अमेरिका का। सिटी बैंक स्कैम जो हर्षद मेहता ने ऑपरेट किया था पूरे भारत में, वो सिटी बैंक स्कैम था। हर्षद मेहता स्कैम के नाम से चला पूरे देश में, स्कैम सिटी बैंक ने किया था। हर्षद मेहता तो सिटी बैंक का पपेट था, मोहरा था, सिटी बैंक उसको चलाता था, हर्षद मेहता वही चलता था। सिटी बैंक ने भारत में आके हर्षद मेहता को खड़ा किया और हर्षद मेहता को पैसा देना शुरू किया और उस पैसे से उससे कहा कि शेयर खरीदो, हमको दो। तो हर्षद मेहता अपने नाम से शेयर खरीदता था, सिटी बैंक को ट्रांसफर करता था, पैसा सिटी बैंक देता था। तो सिटी बैंक ने खेल क्या खेला कि भारत की कुछ कंपनियों को उठाना है, कुछ को गिराना है। जिन कंपनियों के शेयर सिटी बैंक के पास है उनको उठाना है, जिनके नहीं है उनको गिराना है। ये खेल में वो लग गए। हर्षद मेहता उनको कठपुतली की तरह से मिल गया, उसने खेल खेला और उस खेल में हिंदुस्तान का 1,000 करोड़ रुपए, कम से कम 76,000 करोड़ रुपए डूब गया इस देश का। और जब ये सारा घोटाला खुला और घोटाले पर इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी भारत सरकार की संसदीय समिति ने की। संसदीय समिति ने कहा कि हर्षद मेहता घोटाले का जिम्मेदार नहीं है, सिटी बैंक जिम्मेदार है। तो भारत के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर और वर्तमान प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि हमें मालूम है सिटी बैंक जिम्मेदार है, लेकिन हम उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि अमेरिका से हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। और मनमोहन सिंह ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर और आज भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी सिटी बैंक के खिलाफ कुछ करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए वहां से, अमेरिका नाराज हो जाएगा। और इसी अमेरिका ने भारत के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ इतनी सख्त कार्यवाही की अमेरिका में कि उनके हालत खराब हो गए, लेने के देने पड़ गए। इसी अमेरिका ने भारत की एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच अमेरिका में इन्वॉल्व हो गई थी कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन में जिनका पता नहीं था, और अमेरिका ने डाउट किया था कि ये ट्रांजैक्शन हुए हैं टेररिस्ट को। अमेरिका में एक नियम है, एक अमाउंट से ज्यादा का पैसा निकाला जाए और जमा किया जाए तो उसका सारा इंक्वायरी करना, नहीं करेंगे तो बैंक जिम्मेदार है उसके लिए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन किए थे जिनका कुछ अता पता नहीं था, उसमें अमेरिका ने इतना हैवी पेनल्टी ठोंका उनके ऊपर कि एक ब्रांच का पूरा डिपॉजिट उसमें जाने की स्थिति आ गई। अमेरिका ने नहीं छोड़ा आपको, और आपने उनके सिटी बैंक ऑफ को पूरा छोड़ दिया। हाँ हाँ, इतना घोटाला किया तो भी हम मंजूर करते हैं। और आपको मालूम है रामनिवास मिर्धा नाम के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनकी अध्यक्षता में बनी संयुक्त जांच समिति ने यह कह दिया था कि सिटी बैंक को भारत से वाइंड अप करने का आदेश दीजिए, इनका बोरिया बिस्तर बंद करा दीजिए, नहीं तो ये देश को लूटेंगे। वो संसदीय समिति की रिपोर्ट धूल खा रही है और सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया क्योंकि अमेरिका से डर है, अमेरिका नाराज हो जाएगा, हमको इन्वेस्टमेंट नहीं देगा। अभी नेक्स्ट ईयर से सिटी बैंक, HDFC, ANZ ग्रिंडलेज, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये सभी बैंक खुले आम अपनी शाखाएं खोलेंगे। वो शाखाएं खोलेंगे कहां? किसी गांव में नहीं, और वो शाखाएं खोलेंगे ऐसी जिसमें आप 50 रुपए डिपॉजिट करा के अकाउंट नहीं खुला सकते। उनके लिए मिनिमम है 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 40,000। आपकी भारत की जो स्टेट बैंक है या भारत की जो बैंक है वो तो गांव में भी जाके शाखा खोलती है क्योंकि उसको सर्विस देनी है, बिजनेस नहीं करना है, सर्विस देनी, इनको बिजनेस करना है। तो वो बड़े बड़े शहरों में शाखाएं खोलेंगे, बंबई है, कलकत्ता है, मद्रास है, हैदराबाद है, कोयम्बतूर है, चेन्नई है, वगैरह वगैरह। और उनमें जो क्रीमी लेयर है भारत का, जिनके पास थोड़ा पैसा, उनके डिपॉजिट रख के उस पर काम करेंगे। और वो डिपॉजिट को कहां इन्वेस्ट करेंगे वो आप भी नहीं रोक सकते और तय भी नहीं कर सकते। तो आपके देश की खून पसीने की कमाई, पूंजी, जो डोमेस्टिक सेविंग्स है, वो विदेशियों के हाथ में आप दे देंगे। इसी तरह से बीमा के क्षेत्र में वो आएंगे, इसी तरह से हर क्षेत्र में वो घुस जाएंगे। और इस तरह से घुस के वो क्या कर सकते हैं भारत का, एक उदाहरण देके मैं मेरा व्याख्यान खत्म करता हूं। क्या कर सकते हैं अभी देखिए, भारत में सेवा के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में और एजुकेशन आदि आदि में विदेशी कंपनी ज्यादा नहीं आए हैं, अगले साल से आना शुरू होंगे। अभी ज्यादा विदेशी कंपनी आए हैं टूथपेस्ट बेचने के लिए, टूथ पाउडर बेचने के लिए, सॉफ्ट ड्रिंक बेचने के लिए। अभी वो क्या कर सकते हैं हिंदुस्तान में आके, इसका ही एक उदाहरण देता हूँ। सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस में अमेरिका के दो कंपनी आए हैं, पेप्सी कोला, कोका कोला।
दोनों मार्केट में 14 साल से जहर बेच रहे हैं, ये सिद्ध हो गया। 1997 से तो हम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ये लहर पेप्सी नहीं जहर पेप्सी है। मैं 1997 से हर पब्लिक मीटिंग में कह रहा हूं लहर पेप्सी नहीं जहर पेप्सी है। 1997 से हर पब्लिक मीटिंग में मैं कह रहा हूं कि ये ठंडा नहीं है टॉयलेट क्लीनर है। लेकिन पिछले साल भारत की सभी बड़ी प्रयोगशालाओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि पेप्सी कोक टॉयलेट क्लीनर है और वो जहर है, प्रयोगशालाओं ने सिद्ध कर दिया। भारत की सबसे बड़ी प्रयोगशाला CFTRI सेंट्रल फूड फॉर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ये जहर है और ये भी कहा कि ये टॉयलेट क्लीनर से भी ज्यादा खराब है। CFTRI तो ये कहता है कि पेप्सी कोक टॉयलेट क्लीनर से भी ज्यादा खराब है। दूसरी लेबोरेटरी CSE उन्होंने सिद्ध कर दिया, फिर भारत सरकार की लेबोरेटरी CFL उन्होंने सिद्ध कर दिया। भारत की 5-6 लेबोरेटरीज और सभी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन मान रहे हैं कि पेप्सी कोक जहर है, 14 साल से इस देश में बिक रहा है, लेकिन भारत सरकार की हिम्मत नहीं है पेप्सी कोक के खिलाफ कोई एक्शन लेने की, किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले तक NDA सरकार चल रही थी जिसमें बहुत ज्यादा लोग स्वदेशी भक्त हैं और स्वदेशी के नारे लगाने वाले हैं, उनका भी एक्शन लेने का हिम्मत नहीं था पेप्सी कोक पर, और उनके भी मंत्रियों ने पेप्सी कोक को क्लीन चिट दिया पार्लियामेंट के अंदर। अभी MPA सरकार आ गई है, उसकी तो बिल्कुल ही हिम्मत नहीं है पेप्सी कोक के खिलाफ कोई। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये जहर बेच रहे हैं 14 साल से, और भारत के किसानों ने सिद्ध कर दिया है। भारत के बहुत सारे गांव के किसानों ने पेप्सी कोक स्प्रे किया है और सब कीड़े मर गए हैं, सब जंतु मरे हैं फसल के, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ये पेस्टिसाइड है, पेप्सी कोक नहीं है, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है। ये सब कुछ सिद्ध हो जाने के बावजूद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ताकत नहीं है कि पेप्सी कोक का लाइसेंस कैंसिल करे। अभी तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया, सबने कह दिया। 97 में जब हम ये बात कहते थे तो लोग हमें पागल कहते थे, अब 2004 में सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, हाई कोर्ट ये कह रहा है, CFTRI ये कह रही है, CFL ये कह रही है, सभी साइंटिफिक बॉडीज ये कह रही हैं कि ये पेप्सी कोक नहीं है जहर है, क्योंकि उसमें DDT है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, मेलाथियन है, क्लोरोपाइरीफॉस है, ये चारों खतरनाक कीटनाशक पेप्सी कोक में मिले हुए हैं और हमारी शरीर की क्षमता से 87 गुना ज्यादा है। माने हमारे शरीर की जो टॉलरेंस लिमिट है उससे 87 गुना ज्यादा जहर पेप्सी कोक थम्सअप में है, ये रिपोर्ट कहती है। तो भी सरकार की हिम्मत नहीं है लाइसेंस रद्द करने की। आप सोचिए कि जब 2 अमेरिका की कंपनी के खिलाफ भारत सरकार कुछ नहीं कर पा रही है तो हजारों अमरीकी कंपनी अगले साल से घुस जाएगी, भारत सरकार क्या करेगी? 2 के खिलाफ कुछ नहीं करने की हाल हिम्मत है उनकी, जो सिद्ध हो गया है कि ये जहर बेच रहे हैं। तो सरकारों की हिम्मत और ताकत तो इन कंपनियों के सामने कुछ भी नहीं है, और ऐसी कंपनी आके भारत पे अगर छा गई तो सारा रूल तो वो करेंगे, रेगुलेशंस वो बनाएंगे, कानून वो तय करवाएंगे, संसद में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो तय करेंगे। सरकार तो कुछ नहीं, सरकार तो पपेट हो जाएगी, कठपुतली हो जाएगी उनके हाथ की। एक और उदाहरण देता हूं, एक अमेरिका की एनरॉन कंपनी आई थी, बोगस और फ्रॉड कंपनी, जो अमेरिका में बोगस थी फ्रॉड थी, यूरोप के कई देशों में बोगस थी फ्रॉड थी, वो महाराष्ट्र में आके कितने बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करने का सारा उन्होंने ढिंढोरा पीटा, और महाराष्ट्र सरकार ने क्या क्या सुविधा नहीं दिया उस एनरॉन को। और ऐसे लोग महाराष्ट्र में जो कहा करते थे कि हम इसको उठाकर अरब सागर में फेंक देंगे और ये कर देंगे, उन्हीं लोगों ने उसको लाइसेंस दे दिया, और उसे एनरॉन के लाइसेंस को कैंसिल करवाने के लिए कोर्ट को बीच में आना पड़ा। सरकार की हिम्मत नहीं थी उसका भी करने के लिए, अदालतों ने हस्तक्षेप किया, तब जाके ये सारा प्रोजेक्ट रुका। बाद में पता चला कि कंपनी ही बोगस थी, फ्रॉड कंपनी थी। अब वो बोगस और फ्रॉड कंपनी आती है और भारत में पावर प्रोजेक्ट के नाम पर शेयर्स फ्लोट करे, हजारों करोड़ रुपए आपके मार्केट से उठा ले, जिसने जिंदगी में एक यूनिट भी बिजली नहीं बनाया हो वो भारत में हजारों करोड़ का पावर प्रोजेक्ट चला ले, ये कितनी बड़ी विडंबना। और एक ऐसे देश में जहां सत्ता बहुत बिकाऊ है और नेता सब गधे और घोड़े के माफिक बिकने को तैयार हैं, और ऐसे देश में जहां के नेताओं को कुछ ज्यादा इन सब अंतरराष्ट्रीय विषय के समझौतों की समझ भी नहीं है, आप गेट करार के बारे में बात करिए, आपके लाइन से खड़े कर दीजिए MPs और MLAs को, बात करके देखिए उनसे गेट करार के बारे में क्या बात करते हैं वो आपसे। वो कहेंगे हाँ कुछ सुना तो है लेकिन क्या है हमें माहिती नहीं है। जिनको सबसे ज्यादा माहिती होनी चाहिए उनसे बात करके देख लीजिए, आप मंत्रियों से बात कर लीजिए, MP MLAs की छोड़ता हूं मैं, आपके कॉमर्स मिनिस्टर से बात कर लीजिए, फाइनेंस मिनिस्टर से बात कर लीजिए, स्टेट के चीफ मिनिस्टर से बात कर लीजिए, आपको गेट एग्रीमेंट के बारे में कुछ मालूम है,
कभी कॉमा फुल स्टॉप उसका देखा है आपने? वो कहेंगे जी हमें क्या जरूरत है मालूम होने की, ये तो सरकारी अधिकारियों को मालूम होना चाहिए। और सरकारी अधिकारी किस तरह के हैं वो आप जानते हैं? हिंदुस्तान का सरकारी अधिकारी सगा उसका है जहां से पैसा मिलता है। हिंदुस्तान के सरकारी अधिकारियों के घर में आजकल सीबीआई वालों ने रेड डालना शुरू किया है। एक क्लर्क लेवल के अधिकारी के घर में 4 करोड़ मिल गया, 5 करोड़ मिल गया, 6 करोड़ मिल गया, वो सरकारी अधिकारी क्या करने वाला है? वो तो वही करने वाला है जो घूस कराएगी, रिश्वत कराएगी उसको। तो करप्ट हमारी ब्यूरोक्रेसी है, और उससे भी ज्यादा करप्ट हमारी ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इतने करप्शन में डूबी हुई है। उस स्थिति में अगर बाहर की कंपनियां आती हैं और यहां से लूट के ले जाना शुरू करती हैं, और उस लूट का थोड़ा हिस्सा अधिकारियों को मिलने लगे और नेताओं को मिलने लगे, वो तो उन्हीं के बात करेंगे, उन्हीं के बोलेंगे, उन्हीं के फेवर में जाएंगे, वो आपकी बात नहीं करेंगे, मेरी बात नहीं करेंगे, तो देश बंधुआ हो जाएगा। और मुझे दुख इस बात का है कि ऐसे ही खतरनाक काम कभी अंग्रेजों ने किए थे इस देश में गुलाम लाने के लिए, गुलामी लाने के लिए, अब वही खतरनाक खेल इस देश में आजादी के 56-57 साल के बाद हो रहे हैं। आज भी इस देश में 4,500 से ज्यादा विदेशी कंपनी तो आ चुकी है, हजारों करोड़ रुपए लूट के ले जा रही है। पेप्सी कोला है, कोका कोला है, कोलगेट, पामोलिव, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट एंड कोलमैन, जॉनसन एंड जॉनसन, अब अगले साल से और ज्यादा आएंगे, और खुली छूट मिलेगी लूट करने की, और ज्यादा पैसा यहां से लेके जाएंगे। अल्टीमेटली क्या होगा, जो ईस्ट इंडिया नहीं कर पाया इस देश में, वो अब ये कंपनियां करेंगे। और इसमें सबसे ज्यादा जो पीड़ित होने वाला वर्ग है वो किसान है, मजदूर है, कमजोर वर्ग है भारत, जो सबसे ज्यादा कमजोर वर्ग है उसी को सबसे ज्यादा इसकी तकलीफ होने वाली है। और दुर्भाग्य से सबसे ज्यादा कमजोर वर्ग इस देश में सबसे ज्यादा असंगठित है, उसका संगठन नहीं है, इसलिए चुपचाप धीरे धीरे या तो वो साइडलाइन हो जाएगा या आत्महत्या करके सार रास्ते से हट जाएगा, रास्ता इनके लिए खुल जाएगा। ये स्थिति देश के सामने है। अब प्रश्न उठता है कि फिर हम क्या करें। मैं आपसे निवेदन करने ये आया हूं कि आपको ही कुछ करना पड़ेगा, और कोई इस देश में कुछ करने वाला नहीं है। आप राजकीय पक्षों से कोई भी अपेक्षा मत करिए कि वो कुछ करेंगे। राजकीय पक्षों को कुछ करना होता तो 10 साल से ये गेट करार साइन होके पड़ा हुआ है, कुछ उन्होंने किया होता। और पिछले 10 साल में हिंदुस्तान के हर राजकीय पक्ष को सत्ता चलाने का मौका मिला है इस देश में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ऐसा कोई राजकीय पक्ष नहीं बोल सकता कि हमको सत्ता चलाने का मौका नहीं मिला। अगर इनको कुछ भी करना होता तो ये कर सकते थे। आप बोलेंगे क्या कर सकते थे? ये कर सकते थे वो काम जो अमेरिका ने किया। मैंने आपसे कहा ना, अमेरिका ने क्या किया, संविधान संशोधन कर लिया, संविधान संशोधन करके गेट करार साइन किया। अब गेट करार की जो खराब बातें हैं अमेरिका उसको नहीं मानेगा, आप कुछ नहीं कर सकते उसका, क्योंकि वो कह रहे हैं और ऑलवेज अमेरिकन लॉ विल प्रिवेल। उन्होंने संशोधन कर लिया, वो कहते हैं हमारा संविधान ऊपर है। हम भी ये कर सकते थे, हमारे राजकीय पक्षों को कुछ करना होता तो वो भी ये कर सकते थे। और आप बोलोगे कि राजकीय पक्षों को ये बात किसी ने बताई नहीं, ये मैंने बताई है। हिंदुस्तान की जितनी भी वर्तमान राजनीतिक पार्टियां हैं जो सेंट्रल लेवल पे काम करती हैं, उनके हर बड़े नेता से मैं मिला हूं। कम से कम 250 ऐसे नेता हैं जो जीवित हैं इस देश में, जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से मिला हूं। जाकर मैंने ये गेट एग्रीमेंट की फोटोकॉपी करके उनको दिया है, इस पे जिस्ट लिख कर दिया है कि देखिए ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, इसको बदलवाइए नहीं तो। लेकिन किसी ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, कोई रस भी नहीं लिया। और इसमें से दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन 250 एमपीज को, जो बड़े नेता हैं इस देश में जिनको मैं मिला, मैक्सिमम ने गेट करार की कॉपी मुझे वापस दे दिया कि ये आप ही पढ़िए, आप ही रखिए, आप ही स्टडी करिए और आप ही जन जागृति लाइए, हमारे बस का नहीं है ये सब। मैंने कहा भाई आप तो करोड़ों रुपए लेते हैं इस देश के लोगों के खून पसीने की कमाई के टैक्स का, आपका तो पहला धर्म बनता है ये सब लोगों को बताना, समझाना, जन जागृति लाना। वो कहते हैं ना हमको ये समझता है, ना हम इसको बात कर सकते हैं, ये आपका ही काम है, ये आप करिए। मैंने मेरे लिए, ना मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, ना मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हूँ, ना मैं किसी म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन का कॉरपोरेटर हूँ, ना ग्राम सभा का सरपंच हूँ, ना कहीं पंचायत का सदस्य हूँ। मुझे कहते हैं कि तुम ये करो, और जिनको ये जिम्मेदारी है, जिनके ऊपर हम हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, इसी के लिए जाते हैं संसद में, लोकसभा में, विधानसभा में, वो करने को तैयार नहीं है। कारण क्या है? दो बड़े कारण है। एक तो ये है कि मेजोरिटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, एमएलए, एमपीज में इस गेट करार को लेकर, डब्ल्यूटीओ को लेकर कोई समझ नहीं है। किसी ने अध्ययन भी नहीं किया है, अभ्यास भी नहीं किया है, और उनकी शायद कैपेसिटी भी नहीं है इसको समझने की, अभ्यास करने की, अध्ययन करने की। क्योंकि हिंदुस्तान की संसद का जिस तरह का कॉन्फ्यूगरेशन है, आप देख लो, हिंदुस्तान की संसद में ऐसे बहुत सांसद हैं जिनको तिहाड़ जेल में होना चाहिए था, मंत्री बन के बैठे,
नोटेड क्रिमिनल्स और हिस्ट्री शीटर हैं, उनसे आप कल्पना करेंगे वो गेट करार को समझेंगे और इस पर कोई बात करेंगे संसद में? बहुत सारे चीफ मिनिस्टर ऐसे हैं इस देश में जो हिस्ट्री शीटर हैं, जिनको जेल में होना चाहिए था। MLAs तो ऐसे हिंदुस्तान में 50% से ज्यादा है जो क्रिमिनल्स हैं, नोटेड क्रिमिनल्स हैं। और ऐसे क्रिमिनल्स नहीं है छोटे मोटे, मर्डर करवाए हैं, रेप किए हैं, किसी को लूटा है, किसी का घर जलाया है, गंभीर अपराध जो माने जाते हैं इस देश में वो सब करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों के बीच में आप कल्पना करें गेट करार पे बात हो, शायद नहीं हो पाएगी। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि लोगों के बीच में जाएं और लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि भाई आप इसको समझ लो। फिर लोग कहेंगे ठीक है हमने समझ लिया, अब क्या करें? अगर कोई समस्या हमें समझ में आ जाए तो समाधान क्या है वो भी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए शेतकरी भाइयों के लिए, शेतकरी बांधवों के लिए ये गंभीर समस्या है गेट एग्रीमेंट। जब मैंने इसको समझना शुरू किया तो उसमें से समाधान भी मेरे समझ में आ गया। और इसका सबसे सरल समाधान है, भारत के 70 करोड़ शेतकरी बांधवों को अगर बचाना है गेट करार से तो उनको एक ही बात के लिए प्रेरित करो कि तुम खेती करना शुरू करो सेंद्रिय पद्धति से, सेंद्रिय खत वापरो, यूरिया DAP सुपर फॉस्फेट बंद कर दो, और ये परदेशी कंपनियों के बीज वापरना बंद कर दो, ये मॉन्सेंटो का बीज, ये कारगिल का बीज, ये उसका बीज और ये सब बीज वापरना बंद कर दो, तुम्हारे बीज तुम बनाओ और उनको वापरना शुरू करो, तुम्हारी खाद तुम बनाओ उस खाद को वापरो, तुम्हारी पेस्टिसाइड तुम बनाओ, तुमको जरूरत पड़े तो तुम खुद बनाओ, बाजार से कुछ खरीद के मत लाओ। और भारत का शेतकरी एक ऐसी स्थिति में है कि उसको बाजार से कुछ खरीद करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी खेती खुद कर सकता है बशर्ते कि उसको कोई प्रेरित करने वाला हो। क्योंकि अब तक पिछले 20-25 साल में उसको बहुत गलत जानकारी दी गई है, बहुत माहिती ऐसी दी गई है, उसको सबसे खराब माहिती ये दी गई कि बिना यूरिया, बिना DAP, बिना सुपर फॉस्फेट, बिना रासायनिक खत के कुछ उत्पन्न नहीं होता, जो सबसे गलत माहिती है। उत्पन्न होने में यूरिया, DAP, सुपर फॉस्फेट का कोई हिस्सा नहीं होता, कोई योगदान नहीं होता। मैं आपको इसका सबसे बड़ा फ्रॉड बताता हूं, ये यूरिया DAP सुपर फॉस्फेट का कितना बड़ा फ्रॉड है। और यहां कोई एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट होगा तो वो तुरंत समझ जाएगा। फ्रॉड ये है कि यूरिया DAP सुपर फॉस्फेट जितना भी डाला जाता है उसका 1% भी काम में नहीं आता, 1% भी काम में नहीं आता, 99% यूजलेस जाता है। कैसे जाता मैं समझाता हूं आप। जब भी हम बीज डालते हैं खेत में तो बीज में अंकुरण होता है, अंकुरण धीरे धीरे पौधा बनता है, पौधा बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है। आप अगर ध्यान से इस विषय को देखें और समझें तो होता यह है कि पौधा जब अंकुरित होता है और अंकुरित होने से 20-25 दिन के अंदर उसकी कैनोपी आ जाती है, कैनोपी मीन्स उसके पत्ते आ जाते हैं। अब जैसे ये पत्ते आ जाते हैं तो पौधा जमीन से भोजन लेना बंद कर देता है, वो सारा भोजन लेता है सूर्य के प्रकाश से, सारा का सारा भोजन सूर्य के प्रकाश से लेता है, जिसको हम सब लोग फोटोसिंथेसिस और जो भी कहना चाहे कहिए। तो उसकी जब कैनोपी आ गई, पत्ते आ गए, तो भोजन लेने का काम तो सूर्य से कर रहा है, तो जमीन से भोजन लेना तो बंद कर दिया। और यूरिया DAP आप जमीन में डाल रहे हो, वो कुछ ले ही नहीं रहा, फालतू में डाल रहे हो, टोटल बोगस है, फ्रॉड है। और इतना बड़ा फ्रॉड हिंदुस्तान में चल रहा है पिछले 40 साल से ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम पे। और जब मैं हिंदुस्तान के बड़े साइंटिस्टों से ये बात किया कि आप इतना बड़ा फ्रॉड 40 साल से चला कैसे रहे हैं इस देश में, पौधे को जब जरूरत है जमीन से कुछ लेने की उस समय यूरिया DAP होता नहीं वहां, जब उसको जरूरत नहीं है तब वो डाला जाता है। तो उन्होंने कहा हाँ बात तो आपकी सही है, तो ये चल कैसे रहा है? तो ये चल रहा है इसलिए कि ये जो यूरिया DAP सुपर फॉस्फेट कंपनियां हैं इनका कमीशन ऊपर से नीचे तक बट रहा है, नेताओं से अधिकारियों तक, इसलिए ये चल रही है, इसलिए फ्रॉड भी चल रहा है, साइंटिस्ट में भी वही कमीशन बट रहा है। हिंदुस्तान को छोड़कर दुनिया के सभी देश के वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि जितना यूरिया DAP सुपर फॉस्फेट जमीन में डाला जाता है वो 99% वेस्ट चला जाता है और मिट्टी को ही खराब करता है वो। अल्टीमेटली मिट्टी को खराब कैसे करता है? मिट्टी का जो बैलेंस है उसको तोड़ देता है। मिट्टी का बैलेंस है, pH उसका 7 के आसपास होना चाहिए, कार्बन कंटेंट उसका 8 के आसपास होना चाहिए, कार्बन कंटेंट को लगातार कम करता जाता है, pH को लगातार घटाता बढ़ाता रहता है, तो दोनों स्थिति में टूटता है बैलेंस, बैलेंस टूटता है तो खेती में उत्पन्न कम हो जाता है और उसका नुकसान शेतकरी को होता है। तो यूरिया DAP का इतना बड़ा फ्रॉड, और उससे भी बड़ा फ्रॉड पेस्टिसाइड का, ये जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड है ये इससे भी बड़ा फ्रॉड है।
एंडोसल्फान डालो, मेलाथियन डालो, पैराथियन डालो, बेंजीन हेक्साक्लोराइड डालो, ये डालो, वो डालो, भाई क्यों डालो? तो कहते हैं जी कीट आया है। अच्छा कीट आया है तो ठीक है, किसी ने उसको बुलाया है तब आया, ऐसी तो नहीं आया। कीट आया है आपकी फसल पे, आपकी फसल को चौपट कर रहा है, तो किसी ने उसको बुलाया, या तो उसके लिए कंडीशन तैयार की है तो वो आया, अदरवाइज कैसे आता? आपके शरीर में कोई वायरस या विषाणु कैसे घुस जाता है? अनुकूल कंडीशन है तो घुस जाता है, अगर प्रतिकूल कंडीशन है घुस के दिखा दे कोई वायरस आपके शरीर में। इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए, कोई एक डॉक्टर है सवेरे से शाम तक 50 मरीजों के पास बैठता है, उनके श्वास से निकली हुई दुर्गंध को भी सूंघता है, लेकिन हर डॉक्टर को तो ट्यूबरकुलोसिस नहीं हो जाता, होता है क्या? ट्यूबरकुलोसिस का इलाज करने वाले किसी भी डॉक्टर को ट्यूबरकुलोसिस नहीं हो जाता है, क्यों? उसका अपना इंटरनल बॉडी रेजिस्टेंस या इंटरनल सिस्टम ऐसा है जो आसानी से बाहर के वायरस बैक्टीरिया से लड़ सकता है। ठीक है, आसानी से तो नहीं जाता, आसानी से प्रवेश भी नहीं करता और वो फल भी नहीं दे पाता। इसी तरह से भूमि के साथ होता है, भूमि के साथ भी यही होता है कि आसानी से कोई भी वायरस और बैक्टीरिया आके किसी फसल को चौपट कर दे, ये तो तभी संभव है जब वहां पर उसके लिए कंड्यूसिव कंडीशन हो, माने उसको अपना काम करने के लिए अनुकूल वातावरण मिले, अन्यथा तो ये संभव नहीं है। और वो अनुकूल वातावरण कौन पैदा कराता है? ये यूरिया, डीएपी, सुपरफॉस्फेट। दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने यह प्रयोग करके देख लिया है कि जो भूमि में यूरिया डीएपी सबसे ज्यादा डाला जाता है उसी भूमि पे सबसे ज्यादा वायरल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल अटैक होता है, उसी में सबसे ज्यादा जंतु आते हैं, कीट आते हैं, तो वहीं आपको पेस्टिसाइड ज्यादा चाहिए। अब इसका सरल उपाय है कि यूरिया डीएपी सुपरफॉस्फेट डालना बंद कर दो, आपको जंतुनाशक की भी जरूरत नहीं है, कीटनाशक की भी जरूरत नहीं है। तो गेट करार से भारत के शेतकरी बांधवों को बचाने का अब सबसे सरल रास्ता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, नैसर्गिक खेती, उसको जो भी नाम देना है नाम दे दीजिए, उससे कोई महत्व नहीं है, उसमें विवाद भी करने की जरूरत नहीं है। बिना रसायन की खेती, माने यूरिया डीएपी सुपरफॉस्फेट एंडोसल्फान मेलाथियन पैराथियन के बिना खेती करना इस देश का किसान जब शुरू कर देगा तो गेट करार की एक भी शर्त उसके ऊपर लागू नहीं होती, गेट करार में से ये रास्ता निकलता है। अर्थात हम हिंदुस्तान के लोग आप सबके साथ मिलकर अगर एक अभियान पूरे देश में चलाएं शेतकरी बांधवों के लिए, नैसर्गिक खेती करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, प्राकृतिक खेती करो, सेंद्रीय खेती करो, ये ज्यादा से ज्यादा अभियान चलाया जाए, तो गेट करार से आप 70 करोड़ शेतकरी को बचा लेंगे और हिंदुस्तान को भी बचा लेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की माटी में ये तासीर है कि हम सेंद्रीय खेती कर सकते हैं, यूरोपियन लोग नहीं कर सकते, क्योंकि यूरोप की माटी वैसी नहीं है सेंद्रीय खेती करने लायक। सेंद्रीय खेती होने के लिए माटी की सबसे बड़ी विशेषता उसको सॉफ्ट होना चाहिए, यूरोप की माटी बहुत कड़क है, भारत की माटी बहुत सॉफ्ट है, भारत में संभव है, यूरोप में संभव नहीं है, इसलिए ये हमारे यहाँ संभव है। और सेंद्रीय खेती उसी देश में संभव है जहां सूर्य का प्रकाश बराबर मिलता रहे, यूरोप को 8 महीने सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, हमको 12 महीने सूर्य का प्रकाश मिलता है, 24 घंटे चाहे तो सूर्य के प्रकाश का हम उपयोग कर सकते हैं, 12 घंटे तो सीधे कर सकते हैं, 12 घंटे परोक्ष रूप से कर सकते हैं, तो सूर्य का प्रकाश हमें हमेशा उपलब्ध है। बायोडायवर्सिटी हमारे पास अद्भुत किस्म की है, मिट्टी सबसे सुंदर दुनिया की हमारे पास है, हमारे पास पानी की भी व्यवस्था ठीक ठाक है, बस हमारे शेतकरी बांधव का मानस बदलने की जरूरत है, मन बदलने की जरूरत है, और वो सेंद्रीय खेती की तरफ आ जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आ जाए, तो गेट करार से बचने का रास्ता है एक। दूसरा, बाकी सेक्टर में गेट करार से बचने का क्या रास्ता है? बाकी जितने भी सेक्टर हैं गेट करार के जिनका मैं अभ्यास कर रहा हूं उनसे बचने का रास्ता महात्मा गांधी बताकर गए हैं। महात्मा गांधी ने एक बहुत सुंदर बात कही थी अपने जीवन में, जब कही थी तब भी सत्य थी और उनके जाने के बाद भी सत्य है। वो कह गए हैं कि जब गुलामी चारों तरफ से घेर ले आपको और हर तरफ आपको गुलामी ही गुलामी नजर आए और आपको लगने लगे कि अब आपकी आजादी और स्वतंत्रता चली जाएगी, तब बहिष्कार और असहयोग दो ऐसे शस्त्र हैं जो गुलामी के हर पहाड़ को तोड़ सकते हैं, ये गांधी जी बता गए हमको। माने गेट करार की गुलामी जब चारों तरफ से घेर ले, हजारों विदेशी कंपनियां भारत में घुस जाएं और देश को लूटने में लगी रहें, तो हमारे पास एक शस्त्र है, वो बहिष्कार और असहयोग का, गांधी जी बता के गए और उसका उन्होंने उपयोग भी करके दिखाया। तो हम भारतवासी एक संकल्प कर लें, हम बहिष्कार करेंगे और असहयोग करेंगे, अर्थात जितनी भी विदेशी कंपनियां बाहर से आएंगी कुछ भी करने के लिए उनका बहिष्कार करेंगे, उनके साथ असहयोग करेंगे।
इसका समझने का अर्थ क्या है, बहिष्कार करेंगे, असहयोग करेंगे। अगर विदेशी कंपनी आके भारत में पानी बेचती है, दंत मंजन बेचती है, टूथ पाउडर बेचती है, टूथपेस्ट बेचती है, हम खरीदेंगे नहीं, और असहयोग कैसे करेंगे? अगर विदेशी बैंक आके भारत में अपनी ब्रांच खोलती है, हम हमारा अकाउंट उसमें खोलेंगे नहीं। अगर हम हिंदुस्तानी विदेशी बैंकों में अकाउंट नहीं खोलेंगे, कौन विदेशी बैंक है जो यहां चल जाएगी? अगर हम हिंदुस्तानी विदेशी बीमा कंपनियों से कुछ मदद लेंगे ही नहीं, उनके यहां प्रीमियम भरेंगे नहीं, उनसे पॉलिसी लेंगे नहीं, कौन सी विदेशी बीमा कंपनी यहां चल जाएगी? हम हिंदुस्तानी किसी विदेशी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके सामान खरीदेंगे नहीं, कौन सा विदेशी डिपार्टमेंटल स्टोर चल जाएगा? सवाल ही नहीं उठता। गांधी जी का बताया हुआ ये रास्ता बहुत ही अच्छा, तकनीक भरा और ताकतवर है कि बहिष्कार करो और असहयोग करो, अंग्रेजों के साथ असहयोग करो। और इस स्थिति तक गांधी जी ने असहयोग कराया कि अंग्रेजी सरकार को टैक्स देना बंद कर दो, और जिस दिन भारतवासियों ने टैक्स देना बंद कर दिया, अंग्रेजी सरकार ने सरेंडर करना शुरू कर दिया। जब तक हम भारतवासी बराबर उनको टैक्स भरते रहे, वो हमारे ऊपर शासन करते रहे। जब सरदार पटेल ने और महात्मा गांधी ने टैक्स नहीं भरने का अभियान शुरू कराया पूरे देश में, अंग्रेजों ने सरेंडर करना शुरू कर दिया और एक दिन सरेंडर करके चले गए। तो यही हम कर सकते हैं, हम विदेशी बैंकों से असहयोग करें। माने सिटी बैंक ऑफ इंडिया में खाता ना खोलें, खोल लिया है तो बंद करें। HDFC में खाता ना खोलें, ANZ ग्रिंडलेस में खाता ना खोलें। भारत में 28 तो नेशनल बैंक हैं, फिर हमारी रीजनल बैंक हैं, फिर लोकल बैंक हैं, फिर कोऑपरेटिव बैंक हैं, इतनी सारी हमारे पास हैं। इनमें हमारे अकाउंट खोलें, हमारा पैसा इनमें डिपॉजिट करें। फिर आप कहेंगे जी इनमें घोटाले होते रहते हैं, घोटाले तो विदेशी बैंकों में इतने बड़े होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। और भारत के किसी स्वदेशी बैंक में घोटाला होगा तो उसकी गारंटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेता है, आपका पैसा आपको मिल जाएगा। सिटी बैंक ऑफ इंडिया का घोटाला होगा तो उसका कुछ गारंटी नहीं है, वो पैसा भी लेके चला जाएगा, सब खत्म कर देगा, आप कुछ नहीं कर सकते, और अमेरिका जाके लड़ नहीं सकते उससे आप। तो घोटाले होते हैं तो उनको ठीक करने के लिए हम कोशिश करें, अपने सिस्टम को दुरुस्त करें। लेकिन इस घोटाले के कारण हम विदेशी बैंकों में खाते जमा करें और उनके हाथ में सारी अपनी जमा पूंजी सौंप दें, वो अच्छा नहीं। तो हम हमारे जीवन में संकल्प करें कि विदेशी कंपनियों का सामान खरीदेंगे नहीं और उनको मदद करेंगे नहीं, किसी भी तरह का सहयोग करेंगे नहीं। हम भारतवासी अगर उनको सहयोग ना करें और उनका सामान ना खरीदें, कोई गेट करार, कोई विदेशी कंपनी इस देश में हावी नहीं हो सकती। तो ये हमें करना है, पूरे देश में ये अभियान चलाना है, और इसके साथ साथ दुनिया के उन सभी देशों में ये अभियान चलाना है जिनको गेट करार से तकलीफ होने वाली है। मैंने आपसे कहा मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, छोटे छोटे देश हैं, ओमान, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, सोमालिया, इथियोपिया, बल्गारिया, रोमानिया, ये सभी देशों में भी अभियान चलाना है, और उसका प्रयास हमने शुरू किया है। मैं अभी पिछले महीने करीब 20 दिन के लिए विदेश प्रवास पे गया था और इन्हीं छोटे छोटे देशों में गया था। यूरोप का एक भी देश नहीं है जो बिना तेल के जिंदा रहे। कहने लगे अगर हम इनको तेल नहीं बेचेंगे तो किसको बेचें? मैंने कहा हमको बेचो, दुनिया के सब देशों को बेचो, अमेरिका यूरोप को छोड़कर किसी को भी तेल बेचो, पर आपका अधिकार है आप किसको बेचो किसको नहीं बेचो। भाई पैदा करने वाले का अधिकार होता है ना किसको बेचना किसको नहीं बेचना, आप इनको बेचना बंद कर दो तेल। तो उनका और दूसरा उपाय बताइए, मैंने कहा दूसरा उपाय उससे भी ज्यादा सरल है। मैंने उनको कहा कि आप जो तेल बेचते हो वो डॉलर में बेचते हो, आप अपनी करेंसी में बेचो। कुवैत की करेंसी है दीनार, ठीक है, दीनार में तेल बेचो। बहरीन की करेंसी है वो उनमें बेचे। ओमान की करेंसी है रियाल, वो रियाल में बेचे। संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी है द्रहम, वो द्रहम में बेचे। डॉलर में बेचना ही बंद कर दो। उन्होंने पूछा इससे क्या होगा? मैंने कहा सबसे बड़ा काम ये होगा कि जब डॉलर में आप तेल बेचेंगे नहीं तो डॉलर में तेल का रेट फिक्स नहीं होगा, और तेल का रेट डॉलर में फिक्स नहीं होगा तो डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी, और डॉलर की डिमांड कम होगी तो डॉलर की कीमत कम हो जाएगी, और डॉलर की कीमत कम होगी तो अमेरिका की कीमत कम हो जाएगी, और अमेरिका की कीमत कम हुई तो दुनिया सीधा हो जाएगा। फिर मैंने कहा तीसरा एक सरल उपाय है कि आपके आपस के झगड़े हैं उनको सुलझाना है तो एक सरल रास्ता है, देखिए कुवैत का है दीनार, ओमान का है रियाल, संयुक्त अरब अमीरात का है द्रहम, आप मिलके एक कॉमन करेंसी बना लो। जैसे यूरोप के देश मिल गए और उन्होंने यूरो बना लिया, फ्रांस ने, जर्मनी ने, स्वीडन ने, स्विट्जरलैंड ने, डेनमार्क ने, नॉर्वे ने आपस में मिलके यूरो बना लिया, तो आप जितने भी अरब देश हैं मिलके एक कॉमन करेंसी बना लो और उसमें तेल बेचो, तो इनको आप ठीक कर सकते हो। तो उन्होंने कहा हाँ ये तो आइडिया ठीक है। मैंने कहा ये आइडिया इतना अच्छा है जिसमें आपको ओसामा बिन लादेन की भी जरूरत नहीं है, सद्दाम हुसैन की भी जरूरत नहीं है,
आप ओसामा बिन लादिन पैदा करो, सद्दाम हुसैन पैदा करो, फिर उसको करोड़ों रुपए डोनेशन में दो, वो हथियार उन्हीं देशों से खरीदे फिर उनको मारे, उससे अच्छा एक ऐसे हथियार से पीटो जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। और ये जितने भी अरब देश हैं इनके कई शेखों को मिलने मिला और हर एक को जाके मैंने पर्सनल रिक्वेस्ट किया कि आपके पास अरबों डॉलर है जो आपने अमेरिका में रखा हुआ, ये वहां से निकाल लो, भारत में रख दो। वैसे भी आपका अमेरिका से झगड़ा है, अरब देशों का अमेरिका से कोई दोस्ती तो है नहीं, अमेरिका रोज गाली देता है इनको, तो आप उनकी रोज गाली सुनते हो, अपना डॉलर भी वहीं रखते हो, उनका डॉलर माने पेट्रो डॉलर। तो मैंने कहा वो सब भारत में रखो, उनका भारत में सिस्टम, मैंने कहा बहुत, हमारे पास 28 बैंकें हैं नेशनल लेवल की, रीजनल लेवल की तो उससे भी ज्यादा है और लोकल लेवल की तो सबसे ज्यादा है, किसी भी बैंक में रखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गारंटी देता है उसका, पैसा आपका सुरक्षित है। और फिर मैंने कहा अमेरिका आपको इंटरेस्ट कितना देता है, मुश्किल से 1.5%, 1.5%। हम भारतवासी आपको कम से कम 5%, 6%, 7% दे सकते हैं, हमारी कुछ कोऑपरेटिव बैंकें हैं वो 8% भी दे सकती हैं, आप लेके आओ आपका पैसा यहां रखो, हमको जरूरत पड़ेगी तो हम वापरेंगे, नहीं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दे ही देंगे। और वो पैसा अगर ये भारत में लाके रखें तो आप कल्पना कर सकते हैं कितना पैसा। एक शेख को मैंने पूछा कुवैत में आपका कितना पैसा होगा अमरीकी बैंकों में, उसने कहा मुझे मालूम नहीं है। तो मैंने कहा आपका एडवाइजर है? हाँ एडवाइजर है। उसका एडवाइजर एक सरदार जी है, कुवैत के शेख का एडवाइजर सरदार जी। मैंने पूछा ये शेख का साहब का कितना पैसा है, उसने कहा इसको नहीं मालूम है, मुझे मालूम है। मैंने कहा बताओ कितना, उसने कहा $3 trillion, 1 trillion 1000 billion होता है, 1000 अरब, 3000 अरब डॉलर एक शेख का अमेरिका की बैंक में रखा हुआ है। मैंने कहा ये भारत में आ जाए तो उनका $3000 billion भारत का फॉरेन रिजर्व तुरंत ऊपर चढ़ जाएगा। और भारत में अगर $3000 billion फॉरेन रिजर्व हुआ तो रुपए की ताकत आप जानते हैं कितनी होगी? रुपए की ताकत हो जाएगी 7-8 रुपए $1, और 6000 अरब डॉलर आ गया तो रुपए की ताकत हो जाएगी $1 1 डॉलर। और अगर रुपया और डॉलर बराबर हुआ तो सारा विदेशी कर्ज बिना एक पैसा दिए चुक जाएगा, क्योंकि हमने विदेशी कर्ज लिया $1.44 के हिसाब से, फिर हो जाएगा $1 1 डॉलर, तो लिया 44 गुना, देना है 1 ही गुना। तो बिना पैसा दिए विदेशी कर चुकता करेंगे और क्या होगा, रुपया और डॉलर अगर एक एक हो गया तो भारत में डीजल की कीमत होगी 40 पैसे लीटर, पेट्रोल की कीमत होगी 70 पैसे लीटर, रसोई का सिलेंडर मिलेगा LPG 10-12 रुपए में, हवाई जहाज से यात्रा करेंगे 300-400 रुपए में, नागपुर से दिल्ली, दिल्ली से अमेरिका जाना हो 1200 रुपए का टिकट आ जाएगा, आप कल्पना करिए। और सबसे बड़ी बात क्या होगी, अगर रुपया डॉलर बराबर हुआ तो विदेशी कर्ज सब साफ हो गया, बिना एक पैसा दिए कर्ज माफ हुआ, और आपकी जो एक्सपोर्ट इनकम है वो आज से ठीक 44 गुनी बढ़ जाएगी। आपको समझ में आया, हम जो एक्सपोर्ट करके आज कमा रहे हैं उससे 44 गुना ज्यादा आएगा उतना ही एक्सपोर्ट करने से। अभी हमारी एक्सपोर्ट इनकम है 55 से 60 बिलियन डॉलर पर ईयर, फिर इसमें 44 का गुणा कर लो, यही एक्सपोर्ट इनकम हमारी 44 गुनी बढ़ जाएगी। और अगर एक्सपोर्ट इनकम इतनी बढ़ी और इंपोर्ट का बिल 44 गुना कम हो जाएगा तो भारत सरप्लस कंट्री हो जाएगा, ट्रेड सरप्लस हुआ तो हम तो चीन को भी पछाड़ सकते हैं, अमेरिका तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, फिर हम तो दुनिया में सबसे ऊपर आ सकते हैं। तो एक छोटा सा काम हम करें, देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे खराब परिस्थिति भी अच्छे रास्ते का निर्माण कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, बहुत घटाटोप अंधेरा हो जाए तो सवेरा जल्दी होता है। ये WTO में से मुझे एक रास्ता दिखाई दे रहा है और वो रास्ता ये दिखाई दे रहा है कि हम भारत के लोग अगर लीडरशिप लें तो पूरे अफ्रीका और अरब देशों को एक कर सकते हैं, क्योंकि ये इस समय हमसे भी ज्यादा पीड़ित हैं WTO से, हमको जितनी मार पड़ेगी उससे ज्यादा अफ्रीका को पड़ेगी और अरब देशों को उससे भी ज्यादा पड़ने वाली है, क्योंकि अरब देशों के सब नियम कायदे कानून WTO के विरोध में है। आपको मालूम है कोई भी अरब देश में जाकर अगर आप बिजनेस करें तो मेजोरिटी इक्विटी आप नहीं रख सकते वहां, मेजोरिटी इक्विटी उन्हीं की होती है। एक दूसरा, कोई भी अरब देश में बिजनेस करने के लिए एक लोकल पार्टनर रखना पड़ता है जो एक पैसे का भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा और आपसे रॉयल्टी भी लेगा और बिजनेस का प्रॉफिट भी लेगा।
सिर्फ आपको वो स्पॉन्सर कर रहा है, वीजा दिलवा रहा है, इसके लिए ही आपसे पैसा लेता है। जितने भी अरब देशों में भारतीय लोग बिजनेस करते हैं, सबने स्लीपिंग पार्टनर्स बनाए हैं, माने जो पार्टनर्स होता रहता, कुछ करता नहीं है, टाइम पे आएगा, पैसा लेके चला जाएगा, ना बिजनेस से कोई मतलब है, ना आपके प्रॉफिट से। जितना आप कर रहे हैं वो सब आप करिए, मेहनत आप करिए, पैसा आप लगाइए, मैनेजमेंट आप करिए, हर महीने वो आ जाएगा अपना रॉयल्टी लेने। वो सब करते हैं ऐसे। और कोई भी अरब देश में आप प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकते, आपको मालूम है ये सब कानून है। ये सब कानून उनको बदलने पड़ेंगे WTO के कारण, तो उनको हमसे भी ज्यादा तकलीफ है। वो कह रहे हैं हमारी तो सब अरब प्रॉपर्टी इनके हाथ में चली जाएगी WTO के कारण, तो उनके दिल में आग हमसे ज्यादा है और अफ्रीकी देशों में हमसे भी ज्यादा है। तो ये WTO के बहाने हम भारत के लोग चाहें तो एक लीडरशिप खड़ी कर सकते हैं दुनिया के सामने। और ये सब वही देश हैं जिन्होंने भारत के साइन करने के बाद साइन किया। हाँ, वो कहते थे ना भारत ने किया इसलिए हमने किया। इन सब देशों को हम इकट्ठा कर लें, और ऐसे देशों की संख्या 70-80 के आसपास है, ये अगर इकट्ठे हो गए तो हम एक नया संगठन बना सकते हैं, एक नया WTO बना सकते हैं, उसमें कुछ ऐसे एग्रीमेंट कर सकते हैं जो इसमें नहीं है, और ये देश मिलकर दुनिया को रूल कर सकते हैं या दुनिया को दिशा दे सकते हैं, क्योंकि इनके पास सब कुछ है। इनके पास रिसोर्सेज हैं, इनके पास टेक्नोलॉजी है, इनके पास मैन पावर है, इनके पास स्किल्ड लेबर है, इनके पास सरप्लस कैपिटल भी आ जाएगा अगर ये देश जो है डॉलर में ट्रांजेक्शन बंद कर दें, तो सरप्लस कैपिटल अपने आप आ जाएगा। और जैसे ही दुनिया में डॉलर का चलन कम हुआ, अमेरिका नीचे 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 और नीचे आ जाएगा। और एक लास्ट सॉल्यूशन मैंने उनको कहा कि आप सब एक काम तुरंत करिए, आपके पास जितना भी डॉलर फालतू पड़ा है वो अमेरिकी सरकार को वापस दीजिए और सोना ले लीजिए उसके बदले में अमेरिका से, क्योंकि ये रूल है। अगर हम भारत की सरकार, हमारे पास 130 अरब डॉलर है, हम अमेरिका की बैंक को ये पूरा वापस करें, तो अमेरिकी बैंक इसके लिए बाध्य है कि उतने का वो हमें सोना दे। हम 130 अरब डॉलर अमेरिकी बैंक को दे दें और कहें हमको सोना दे दो, हमें तुम्हारा डॉलर नहीं चाहिए, सोना चाहिए। और ऐसे ही दुनिया के 20-25 देश करें, तो अमेरिका में इतना सोना नहीं है कि वो दे सके सबको, तो वो अपने आप ही अपने को बैंककरप्ट डिक्लेयर करेगा। और जिस दिन अमेरिका बैंककरप्ट हुआ, यूरोप भी उसके साथ डूबेगा, तब दुनिया के दूसरे देश ऊपर आ जाएंगे। पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। ये हमारे लिए चुनौती भी है और ये हमारे लिए अवसर भी है। चुनौती के रूप में हम लें तो इसमें से अवसर निकलते हैं, और हम सरेंडर कर दें WTO के सामने तो हम भी खत्म हो जाएंगे और ये 77 देश भी हमारे साथ डूब जाएंगे। इसलिए हिंदुस्तान के लोगों से विशेष रूप से इनको बहुत अपेक्षाएं हैं। मैं जब इन देशों में घूमने गया और बात किया उनसे, तो उन सब ने एक ही बात कही मुझे कि आप कुछ करिए, हम सब आपके साथ हैं, आप कुछ करिए, हम सब आपके साथ हैं। हर एक जगह यही मुझे सुनने को मिला, आप कुछ करिए, हम आपके साथ हैं। और इन देशों में जब मैं WTO पे बात करता था, शाम को 7:30 बजे लेक्चर शुरू होता था, रात को 2:30 बजे 3 बजे तक चलता, और वो बिल्कुल ध्यान से सुनते, एक एक बात नोट करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हैं, तुरंत सवाल करते हैं, बहस करते हैं, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा कैसे हो सकता है, इसमें और क्या है, बाईलॉज क्या है, रेफरेंसेस क्या, सब डिटेल बात करते हैं। सिर्फ सुनते ही नहीं है, इंटरेक्शन करते हैं। तो उनके दिमाग में अब ये बातें बैठ रही हैं, हमारे दिमाग में बैठी हुई हैं, हम मिलकर इसको एक बड़ा अभियान का स्वरूप दें तो शायद दुनिया से अमेरिका और यूरोप की दादागिरी को भी खत्म कर सकते हैं और एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जो सच में सुंदर हो, स्वस्थ हो, सुखी हो और भारतीयता के आधार पर हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये भी हमारे सामने है। तो मैं इसको इस स्वरूप में देखता हूं कि आने वाले 2-3 वर्षों में हम भारत के अंदर और भारत के पड़ोसी देशों में इस अभियान को इतना मजबूत करें कि ये सभी देश इस लड़ाई में एक साथ सामने आए। जैसे हम विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करें, वैसे अरब देश भी बहिष्कार करें अमरीकी यूरोपियन कंपनियों का, वैसे ही अफ्रीकी देश भी बहिष्कार करें अमरीकी और यूरोपियन कंपनियों का। और अल्टीमेटली ये लड़ाई तो माल बेचने की है, प्रोडक्ट को लाने की है मार्केट में। जब कोई खरीदेगा ही नहीं, उनका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, अपने आप वो सिकुड़ते चले जाएंगे, डिफेंसिव होते चले जाएंगे। और इस युद्ध में हम उनको पीट सकते हैं, वो पीट नहीं पाएंगे हमको, क्योंकि हमारे पास मार्केट बहुत बड़ा है, उनके पास मार्केट नहीं। ये लड़ाई मार्केट की है, और जिनके पास बड़ा मार्केट है वही विजेता हो सकते हैं इस लड़ाई में। तो अगले 3 वर्ष हमने आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से यही अभियान घोषित किया है कि WTO को
खत्म करो या तो, और ये जो गरीब देश हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं एशिया के, अफ्रीका के, जरूरत पड़े तो लैटिन अमेरिका के भी, इनके साथ दोस्ती बढ़ाओ, इनके साथ बिजनेस बढ़ाओ, इनके देशों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो कॉमन करेंसी के लिए, उनके कॉमन मार्केट के लिए, हम भी ऐसी ही कोशिश में शामिल हो जाएं, तो आने वाले समय में पूरी दुनिया का नक्शा हम बदल सकते हैं। तो आपसे मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, वो ये कि आप आज से अपने जीवन में WTO के खिलाफ एक संकल्प करें, वो ये कि कोई भी विदेशी कंपनी भारत आती है, कोई भी सर्विस या माल देती है, हम उससे सर्विस लेंगे नहीं, उसका माल खरीदेंगे नहीं। और विदेशी कंपनियों को पहचानना अभी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, अभी आसानी से आप उन्हें पहचान सकते हैं। दूसरा, भारत की सरकार किसी भी विदेशी कंपनी को किसी भी लिमिट पे जाके मदद करे, हम मदद करेंगे नहीं। हम भारतवासी ही उनकी मदद करना बंद कर दें, बहुत बड़ी ताकत है। आपको एक बार मैं घटना याद दिलाता हूं, अमरीका ने भारत के ऊपर पाबंदी लगाई जब भारत के वैज्ञानिकों ने परमाणु विस्फोट का परीक्षण किया था, तो भारत में हमने एक अभियान चलाया कि अमेरिका को सबक सिखाने के लिए अमेरिकी बैंकों का बहिष्कार करो, अमेरिकी कंपनियों का बहिष्कार करो। भारत के एक दो नहीं, हजारों लोगों ने सिटी बैंक ऑफ अमेरिका से अपना अकाउंट विड्रॉ कर लिया, सिटी बैंक के कार्ड सरेंडर कर दिए, ANZ ग्रिंडलेस का कार्ड सरेंडर कर दिया, और अमरीका में घबराहट पैदा हो गई, और वो घबराहट ने अमरीका की सरकार को मजबूर किया कि भारत के ऊपर से पाबंदी वापस लो, और उन्होंने लिया। माने हम चाहें तो अमेरिका को झुका सकते हैं, इतने कमजोर नहीं है हम, लेकिन ये झुकाना तभी संभव है जब समाज इसमें सामने आए। सरकार नहीं झुका सकती, सरकार की तो ताकत नहीं है, ताकत समाज के पास है। तो समाज को उठ के खड़े होने की जरूरत है, सरकार पीछे चले समाज उसके आगे चले, समाज आंदोलन का नेतृत्व करे, सरकार उसके हिसाब से काम करे, ऐसी व्यवस्था हम बनाएं इस देश में। किसानों के बीच में जाएं और उनको एक ही बात कहें, भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, सेंद्रीय खेती करो, नैसर्गिक खेती करो, यूरिया DAP बंद करो, फिर इसमें जो प्रॉब्लम है उसके लिए हम समाधान ढूंढें। लोगों के पास जाएं और कहें विदेशी माल खरीदना बंद करो, विदेशी बैंकों में खाते रखना बंद करो, विदेशी बीमा कंपनियों से पॉलिसी लेना बंद करो। इस तरह के अभियान पूरे देश में चलाकर हम इस देश को WTO से बचा सकते हैं और एक ऐसा देश बना सकते हैं जो दुनिया को दिशा देगा और फिर से दुनिया को समृद्धशाली बनाने में मदद करेगा। इतना ही कहकर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपने बड़े ध्यान से सुना, और आपसे एक पर्सनल अपील करता हूं कि ये विषय में हमने कुछ कैसेट्स बनाए हैं, CD बनाए हैं, ऑडियो CD, ऑडियो कैसेट्स, वो बाहर हैं स्टॉल में, आप ले जाइए। कोई भी CD और कैसेट पे मेरा कॉपीराइट नहीं है, सबको कॉपी करने का राइट है, क्योंकि हम मानते नहीं कि ज्ञान पर किसी का अधिकार होता है, ज्ञान तो सभी के लिए है। मैंने कहीं से ज्ञान लिया, आपको दिया, आपने मुझसे लिया, किसी और को दिया, तो आप CD कैसेट ले जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी करिए, लोगों को सुनने को दीजिए, सुनने के बाद दूसरों को सुनने को दीजिए, तो बहुत बड़ा अभियान चलेगा। दूसरा, हमने कुछ पुस्तकें बनाई हैं, वो पुस्तकें आप लीजिए, पुस्तकें पढ़कर दूसरों को पढ़ने को दीजिए, दूसरों से फिर दूसरों को दीजिए, फिर दूसरों को दीजिए, तो इस तरह से पुस्तक और कैसेट के माध्यम से विचार का प्रचार बहुत अच्छे से हो सकता है। हमने किसानों के लिए बहुत सुंदर 2 पुस्तकें बनाई हैं, बिना किसी खर्चे में नैसर्गिक खेती कैसे करें, बिना एक पैसे का खर्च किए हुए अपने ही गांव में जो उपलब्ध संसाधन है उनसे हम कितनी अच्छी खेती कर सकते हैं, इस विषय पे 2 पुस्तकें बनाई हैं। स्वावलंबी खेती कैसे करें, स्वावलंबी खेती कैसे करें, मराठी में, हिंदी में, आप ये ले जाइए। इसी तरह से भारत के लोगों को हम अपील कर रहे हैं कि ये WTO आने के बाद क्या होगा, एलोपैथी की दवाएं बहुत महंगी हो जाएंगी, इतनी महंगी हो जाएंगी कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। अभी भी एलोपैथी की दवाएं कोई सस्ती नहीं है, अगले साल से तो बहुत ही महंगी होने वाली है, कोई दवा की कीमत 10 गुनी, 20 गुनी, 25 गुनी, 50 गुनी, 100 गुनी तक बढ़ने वाली है। तो हमारा लोगों से कहना है कि एलोपैथी का चक्कर छोड़ो, अभी आयुर्वेद में चलो, नेचुरोपैथी में चलो, होम्योपैथी में चलो, और नहीं तो प्राकृतिक चिकित्सा में जाओ, भारत में ये सब की सुविधाएं उपलब्ध हैं, और नहीं तो अपने रसोई घर की चिकित्सा करो। हमारा जो रसोई घर है, स्वयं पाक खोली, उसमें सभी तरह की औषधि है, जो भी हम मसाला मानते हैं वो मसाला नहीं है, सब औषधि है, और एक एक औषधि के 20-25 रोगों को ठीक करने की ताकत है। हल्दी है, जीरा है, धनिया है, ये सभी ऐसे ऐसे औषधि हैं, सुंठी है, ये सभी ऐसे ऐसे औषधि हैं, नींबू है, शहद है, अदरक है, अद्भुत हैं। इनका प्रयोग अगर हम करना शुरू करें तो हमें 90% बीमारियों में किसी भी दवा को खाने की जरूरत ही ना पड़े, सिर्फ 10% बीमारियां हैं जिसमें आपको मजबूरी में ये सब लेना पड़े, और उससे भी ज़्यादा हमारे पास गाय का मूत्र है जो हर गाँव में उपलब्ध है, और गाय का मूत्र 48 रोगों की सबसे अच्छी औषधि है। भारत में भी सिद्ध हुआ है और अमेरिका और यूरोप में भी अब सिद्ध हो चुका है, और भारत में तो चरक संहिता, सुश्रुत, भाव प्रकाश, निघंटु, सभी सभी शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है गोमूत्र बेस्ट मेडिसिन है।
हमने खुद 6-7 साल इस पे बहुत एक्सपेरिमेंट किए, मैंने किए, मेरे दोस्तों ने किए। गाय मूत्र से खराब बीमारी ठीक होती है, डायबिटीज ठीक होता है, अर्थराइटिस ठीक होता है, गाउट ठीक होता है, ब्रोंकियल निमोनिया ठीक हो सकता है, इवन ट्यूबरकुलोसिस ठीक होता है गाय के मूत्र से। ऐसी ऐसी बीमारियां जिनका एलोपैथी में ट्रीटमेंट नहीं है, ऑस्टियोमाइलाइटिस एक बीमारी है जिसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बीमारी हो तो सीधे काट देते हैं हिस्से को, वो गोमूत्र से ठीक होता है। और भारत में बहुत स्थानों पर ये परीक्षण हो चुके हैं, तो हमने इस विषय पर एक पुस्तक बनाई है गोमूत्र चिकित्सा, जिसमें 48 रोगों का इलाज आप घर में बैठकर गाय के मूत्र से ही कर सकते हैं। और स्वयंपाक खोली का अगर ध्यान दें तो 100 रोगों का इलाज आप अपने घर में कर सकते हैं स्वयंपाक खोली की मदद से। तो इन सभी चीज़ों का हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना शुरू करें तो ये WTO के दुष्चक्र से हम बच सकते हैं और हमारे करोड़ों लोगों को बचा सकते हैं। इन्हीं सब विषयों पे हमने पुस्तकें बनाई हैं। स्वयंपाक खोली से 100 बीमारियों को आप ठीक कर सकें, इस विषय पर हमने एक पुस्तक बनाई स्वदेशी चिकित्सा, और इसी विषय पे 6 और पुस्तकें बनाई हैं। गोमूत्र पे पुस्तक है, किसानों के लिए पुस्तक है, ये सब बाहर हैं, आप ले जाइए। कोई भी पुस्तक में हमारा कॉपीराइट नहीं है, आप पुस्तक लेकर अपने नाम से छपाइए, हमें खुशी होगी। हमारा नाम हटाइए, अपना लिखिए और कहिए कि ये हमने लिखा है। हम कभी आपको केस करने के लिए नहीं आएंगे, हमें तो बहुत खुशी होगी कि चलो हमारा काम किसी दूसरे भाई ने संभाला। तो आप इस तरह की पुस्तकें बना बना के दूसरों को दे सकते हैं, कैसेट ले सकते हैं। हमारी हर महीने एक मैगजीन निकलती, अखबार निकलता, उसका मेंबर हो सकते हैं, उसमें बहुत सारी माहिती आती है, वो आपको मिल सकती है। और एक लास्ट अपील कि भारत के शेतकरी बांधवों को बचाना है तो वो जो कुछ भी पैदा कर रहे हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन हम करना शुरू करें। जैसे भारत के कापूस पैदा करने वाले शेतकरी बांधवों को अगर कापूस का बराबर भाव दिलवाना है तो आप पहले खादी पहनना शुरू करिए, कॉटन के वस्त्र पहनना शुरू करिए। आप टेरिकॉट और सिंथेटिक पहनेंगे तो कापूस खरीदी होने वाली नहीं, और कापूस खरीदी होगी नहीं तो खादी बनेगा नहीं, कॉटन के कपड़े बनेंगे नहीं, तो उसको भाव कैसे मिलेगा। इसलिए भारत के कापूस पैदा करने वाले शेतकरी को भाव देना है तो खादी खरीदना शुरू करिए, कॉटन खरीदना शुरू करिए। गांधी जी कहा करते थे कि भारत के 1% लोग खादी खरीदें तो भारत के 5% लोगों को रोजगार मिल सकता है, और गांधी जी ने यह बात 1930 में कही थी, आज भी वो बात उतनी ही सही है। अगर भारत के 1% लोग सिर्फ खादी खरीदना शुरू कर दें, खादी पहनना शुरू कर दें, तो भारत के जितने बेरोजगार लोग हैं उनके 5-10% को काम मिलेगा। और भारत के सब लोग खादी पहनना शुरू कर दें, कॉटन खरीदना शुरू कर दें, तो भारत में 7% रोजगार मिलेगा, कोई बेरोजगार नहीं हो सकता। ये हमने करके देख लिया है। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता अब हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, अपना स्वावलंबन भी करते हैं, खादी बनाते हैं, वो हमने शुरू किया है। तो बाहर स्टॉल में आप जाएंगे तो कुछ आंदोलन के कार्यकर्ताओं का बनाया हुआ खादी भी है, वो खादी आप खरीदें, उदार मन से खरीदें, ताकि इस अभियान को चलाने के लिए आपका कुछ हमें सहयोग भी मिले। हम लोगों से ज़्यादा डोनेशन नहीं लेते हैं, लेकिन खादी देकर, पुस्तकें देकर और साहित्य देकर, कैसेट देकर, जो कुछ भी आर्थिक मदद हमारी होती है समाज के द्वारा, उसी से पूरा ये अभियान चलाते हैं। और इस अभियान में बहुत सारे काम हम देशभर में करने की कोशिश कर रहे हैं, आने वाले समय में और भी करना चाहते हैं, लेकिन आप सबके सहयोग से ही ये संभव है, हम अकेले नहीं कर सकते। तो आपका सहयोग हमें मिले, हम आपके साथ हों, हम मिलकर शायद इस देश को बचाने के लिए कोई बड़ा काम कर सकें, ऐसी अपेक्षा के साथ आया। अगर आप इसमें पूरा उतरें अपेक्षा पर तो हमें बहुत खुशी होगी। और एक बात कह के जाता हूँ आपसे कि आप अगर इसमें सहयोग करेंगे तो ये अभियान जल्दी पूरा होगा, नहीं करेंगे तो भी होगा, बिना आपकी मदद के भी होगा, लेकिन देर में होगा, बस इतना ही फर्क है। भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिवीरों ने अपना जान दिया, लेकिन सबने नहीं दिया, तो भी आजादी आई। 6,40,000 भारत के क्रांतिवीरों का बलिदान हुआ, और उस समय भारत की टोटल पॉपुलेशन 34 करोड़ की थी। 34 करोड़ की पॉपुलेशन में 6,40,000 का बलिदानी हुआ तो भारत में आजादी 100 साल में आई। अगर ये 34 करोड़ की पॉपुलेशन में डबल होता, 12 लाख क्रांतिवीर होते, 18 लाख होते, 20 लाख होते, 25 लाख होते, तो आजादी शायद और जल्दी आ जाती। ऐसे ही ये WTO के खिलाफ हम जो अभियान चला रहे हैं ये सफल होगा, अगर आपका सहयोग मिलेगा जल्दी होगा, नहीं मिलेगा देर में होगा, लेकिन होगा। क्योंकि जिसको ये मार पड़ने वाली है वो जिस दिन समझ जाएगा, भारत का हमें शेतकरी बांधवों पर बहुत उम्मीद है, उनको जिस दिन ये समझ में आया, उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपने को शिफ्ट कर लिया, भारत पूरा का पूरा बच जाएगा, अकेला शेतकरी भारत को बचा देगा इस WTO से। अगर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट हुआ
तो इसके तीन परिणाम आएंगे, एक तो यूरिया डीएपी सुपर फॉस्फेट का खर्चा खत्म, डीजल का खर्चा बहुत कम, पेट्रोल का खर्चा बहुत कम, बाहर से आने वाली आयातित वस्तुओं का खर्चा कम, एक। और ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो पैदा हुआ भोजन हमको खाने को मिलेगा तो 80-90% बीमारियां खत्म, क्योंकि 80-90% बीमारियां तो ये खराब खाने से होती हैं। हम यूरिया डीएपी सुपरफॉस्फेट का खाना खाते हैं, जहर खाते हैं, खाना थोड़ी खाते हैं, इसमें से हमको अर्थराइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकियल निमोनिया, पता नहीं क्या क्या होता है। अगर ऑर्गेनिक फूड्स खाने को मिलेगा तो 80-90% बीमारियां खत्म, तो विदेशी कंपनियों की दवाओं की जरूरत नहीं, अकेला शेतकरी पूरे देश को बचा देगा अगर उसको ये ठीक से समझ में आ गया तो। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप सहयोग करेंगे तो ये अभियान जल्दी सफल होगा, 3 साल में 4 साल में, आप नहीं करेंगे तो 5 साल में होगा, 8 साल में होगा, होगा जरूर, लेकिन जब ये सफल होगा तब आपको अफसोस होगा कि आपने इस अभियान में सहयोग नहीं किया, और आने वाली जनरेशन आपसे पूछेगी कि इतना पवित्र और बड़ा अभियान जब चल रहा था देश का तो तुमने सहयोग नहीं किया, तो आपकी गिनती फिर वही तरह से होगी जो हिंदुस्तान में आज होती है। हमारी गिनती भगत सिंह, ऊधम सिंह, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना फडणवीस, चाफेकर बंधु, वासुदेव पलवंत फड़के, ऐसे लोगों में हो आने वाले समय में, वो आपके सामने है, और आपकी गिनती मीर जाफर, जयचंद, अमीचंद में हो वो आपके सामने है। आपको तय करना है आपको किस रास्ते पर चलना है। आभार, धन्यवाद।